हेलो, क्या चाल हाल चाल है। यही तो गेम चाहिए थी भाई साहब। हॉरर गेम फाइनली, बस यही गेम बिल्कुल चाहिए थी। हॉरर ओपी इन द चैट बॉयज। बॉयज, क्या हाल चाल है। यहाँ पे लेट आई थोड़ी, कहीं तो इसको देखता रहे, इसे मत देखिए, इसको देख के बोलने का ना तो कभी जीवन में नहीं बोल पाएगा। अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हाय सर, किससे सर? कैसे सर? सर सर जी स्नेक्स में क्या है? सर, आपके यहाँ पे स्नैक्स मिल जाएंगे? वो आओ, धड़ 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 सर, मेरा नाम ले लो, ए टेक एयरटेक टेक ऑफ, चलो हवालो। हवा कह रहा हवा लो। अच्छा पहले बताओ, मेरी आवाज, भाई की आवाज और गेम के, ओ भैंस क्या भाई, स्टार्टर कितनी खतरनाक है इसकी। तो हाथ में टट्टी लेके अगदी आते ही आई है भाई, वो कीड़ा है कोई, कह रहा हाथ में टट्टी लेके आई, तो बता तमीज ही नहीं है यार। शुरू में ऐसे ही कर रहा था वो। तो भाई पहले बताओ, मेरी आवाज, भाई की आवाज और कैसी आ रही, मतलब आवाज आवाज ठीक है तो उस हिसाब से फिर हम मैनेज कर लेंगे स्ट्रीम को, ऐसा ना पूरी ब्रेव स्ट्रीम गलत चली जाए, हाइलाइट्स निकले कैसे भाई। अरोड़ा बॉयज आर बैक, जल्दी बताओ, जल्दी द गेम बताओ। कंटेन सीन्स दैट कैन बी एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, समझ रहा भाई। हाइड्रा गेमिंग को शाउट आउट दो भाई, शाउट आउट नहीं यार, देख गलत बात है, मेरे साथ फ्लर्ट करो। गलत गलत गल्ला कर दो, स्लो मोड बंद कर दो, नहीं, फिर चैट नहीं पड़ी जाएगी भाई। PS5 भाई, PS5 सीरीज एक्स, कैमरा ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके यार वो एक तरफ बहुत ज्यादा से फैल जाते हैं हम भाई। यार कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है भाई, ये कैसी तो बता बात, दो जो पूछ रहे हैं सब कुछ, आवाज रुक वो जा, हम ये चेक वो कर सब लेते बढ़िया आ हैं, रहा स्लो नहीं। मोड बंद कर दो, नहीं, फिर चैट नहीं पड़ी जाएगी भाई, ठीक है। PS5 भाई, PS5 सीरीज एक्स। अरे वेदांत, तू जरा बता आवाज आवाज कैसी आ रही, क्योंकि एडिटिंग तो नहीं करनी है, जरा चेक करके बता आवाज वगैरह कैसी आ रही गेम की हमारी, प्रॉपर मतलब हर चीज मैनेज है या बढ़ाई जाए थोड़ी सी और, जल्दी फटाफट बता दो। ऑडियो ठीक है पारस भैया, बहुत दिनों बाद है। हाँ पारस भाई, हमारे पूरी फैन फॉलोइंग है तेरे, मेन चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, यहाँ तेरी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, मैं क्या मैंने देख लिया। ऑडियो साउंड इज ओके, ठीक है। सिट स्टोरी चाइम, यार ये हम ढंग से क्यों नहीं कटे हुए, और लगाऊंगा 10 का कट, वो डिस्टर्ब होता थोड़ा थोड़ा ना ऐसे। मेरे भी 10 का कट और लगा दे। लगा रहा 10 का कट है साले, 50 रुपये में एक्टिंग काट लूँगा। अब ठीक है ना, ठीक है, ओपन इन द चैट बॉयज। मैं तो कह रहा 10 का और लगा दो नहीं ठीक है, तेरी तरफ। अच्छा अब ठीक है ना, बस ठीक है। मेरे साथ फ्लर्ट करो भैया, नए लैपटॉप के लिए पैसे दे दो, आप गाली खाओगे। चलो भाई न्यू गेम स्टार्ट करते हैं। विसाज इज हार्ड, पेशेंस थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड गुड रिसोर्स मैनेजमेंट आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, गुड लक, ध्यान रखियो इस चीज का, इट्स हार्ड। और गाइस फटे सही है दोनों दुर्घटना के, ना घटे। दुर्घटना ना घटे भैंस के, थोड़ा के कर लो माइक को। ये कैसी आवाज जा रही, इसमें से आ रही। हाँ वो लेफ्ट में से आ रही ना, अच्छा। इसमें से आ रही साला। ऐसे ऐसे आ रही भाई एयरफोन लगा लो सारे, मैं तो कह रहा तो। भाई साहब हाँ मेरे साथ मजे लेना, तुम एयरफोन लगा लो बढ़िया सी फुल। फुल, जो जो तुमने मेरी वीडियो देख देख के ले रखी हो, पारस भाई आपकी बहुत याद आ रही थी, कोई बात नहीं भाई, रोज मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे। बस। और आज तुम्हें पता नहीं इसकी तबीयत खराब है, ये भाई बिल्कुल बुखार 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 में बैठे इस टाइम। चढ़ रखा बेचारा, कह रहा पैंचो लोगों ने बुलाया, मैं अभी आ जाता हूँ। स्मार्टी जी वेलकम टू दी वैन आर्मी। ओ बंदूक है इस बार हमारे पे इसमें। किसी को पकड़ रखा है इसने सामने, कुछ ऐसे एकदम अचानक ही हो जाएगा, अभी जंप स्केयर ओपी होगा, बहुत ओपी होने वाला है आज, मैं सोच के बैठा हूँ कि मैं डरूंगा कम, भाई बाकी तो चलो कोई नहीं है। मैंने देखा गेमिंग ये हॉरर गेम के तो ग्राफिक्स पहले डाउन कर देते हैं, हाँ
गंदे चेहरे हैं इसके यहाँ, नकली से बनाते हैं। हाँ खर्चा नहीं करते ज्यादा इन गेमों पे, इन्हें क्या फटी भूत के ऊपर वैसे टेक्सचर नहीं लगाने कुछ कह रहे इंसानों पे भी क्यों लगा के पैसे वेस्ट करें। हाय वैडम, हेलो, 10 cut और लगाओ वेबकैम कह रहा 10 cut और लगाओ वेबकैम। सही सही बताओ, 10 cut और लगा दिया ऐप तो सही चल रहा, थोड़ा मेरा वेबकैम गलत हो रहा है। ओ भाई कितने पकड़ रखे इसने, हाँ ये खुद ही नशे में लग रहा बंदा मुझे। खुद के भी ले ली, मार ली क्या हुआ, खुद के ही मार ली गोली ने। अच्छा हाय पारस भाई, आइकॉनिक सोसाइटी, हेलो पारस भाई फ्रॉम, ये कॉन्ट्रा गेम्स खेलो अभी खेल रहे। ओ ओ पारस चल गया भाई, मेल हो या फीमेल कौन वो देख क्या पूछ रहा, कह रहा भाई मेल हो या फीमेल ये देख भाई दाढ़ी भी दिख रही है नहीं कच्चा ही खोल दे सीधा पता लग जाएगा तुम्हें, ऐसे डरावने सपने आएंगे विसाज आ जाएगा कब सपने में तुम्हारे लटकता हुआ अब ये क्या हुआ, गोली लगी तो उठ कैसे गया ये, यहाँ क्या आया था लिखा हुआ है इंटरैक्ट, अच्छा आरटी नीचे वाला आया ना, ये पूजा घर प्रोग्रेस होम इज रूम, अब ये सेव करना आगे कह रहा बस, समझ पढ़ डाली मैं ऐसे क्या कुछ चलो थाली उठा लो भाई, ये ऐसे करता रहेगा तू, रुक जाना तेरे अंदर जल्दी इतनी है ना, मैंने देखा तू कुछ नहीं देखना चाहता गेम में, भूत दिखाओ बस भूत दिखाओ, भागेगा तू सबसे पहले यहाँ से, कुछ दिख गया ना एकदम भागा फिरेगा। 10 cut और लगा दो, हाँ मतलब ये सीरियसली कह रहा है, एक मिनट लगा लगा मेरे पे अपने पे दोनों पे ही, एक्स्ट्रा आ रहे ना हमारे हाथ उठ फिर आएंगे नहीं बिल्कुल, फिर हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगेंगे। अब ठीक है ना, ठीक है वेदांत देखियो बताइए अब देख के, अगर अगर इसके अलावा भी 10 cut हो और लगाना तो पारस भैया आपका वीडियो बस होने वाला था फिर यहाँ आ गया, बढ़िया बढ़िया देख पूरी स्ट्रीम मैच हो जंप स्केयर तुझे तो सुबह मुझे पूरी वीडियो चाहिए, कहीं तू सुबह बातें बतावे मुझे रात भला कर दियो, हाँ रात भर चाहे जागियो चाहे जो मर्जी करियो, फोन 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 भाई फेस रिवील कर दो, और कैसा फेस रिवील करे भाई पूरा का पूरा सामने है। गलत चीजों का फेस देखना चाह रहे हैं। हेलो ट्वेन, इट्स रोज योर नेबर, आई नो इट्स लेट एंड आई नो दैट आई टेंड टू बी अ लिटिल एंक्शियस अबाउट स्मॉल थिंग्स, है ही नहीं सब टाइटल, अरे रुक जा यार वो ऐसी साइकोलॉजिकल गेम है, है ही नहीं। आई हैवंट सीन यू आउट ऑफ द हाउस इन अबाउट 3 weeks, इज एवरीथिंग ऑल राइट, could you call me just to let me know everything's fine, teen hafta tak ghar se bahar nahi gaya ye, ye hai hi nahi mujhe lage hai hi nahi, bye bye, nahi nahi ho sakta hai to game ke graphics hi aise hai, aatma hai ye, nahi nahi wo chhadi ke aatma hai ye, baat to sun lo iski, ek second video subtitle on karna hai, audio ठीक है, ऑल्टो i5 10th जेन या मारुति राइजन 5 10th जेन, विच वन इज बेटर, ये भैंस क्या लौंडे मस्त है ये कह रहे भाई, अरे यार आज ना टेक क्वेश्चन ना पूछो, देखो तुम्हारे भाई ने वीडियो बना दी दोनों, प्रियांशु चौधरी हेलो भाई, मैं इस चक्कर में 2 दिन यहाँ पे लाइव नहीं आया मैं, कैंडल्स कैन बी प्लेस्ड हियर, थोड़ा कट थोड़ा और कट लगा दो, किस तरफ लगाना है, पारस की तरफ मेरी तरफ, मेरी तरफ तो बिल्कुल सेट है, मेरी तरफ से ठीक है, सबटाइटल ऑन कर दिया कर दिया कर दिया, तेज कैसे भागेगा ये, अच्छे से भागेगा तेज,
Your character's sanity will affect your gameplay. Standing too long in the dark will decrease your character's sanity. Amongst varying the other elements, your character's sanity is... Sanity मतलब क्या होता है वैसे? मतलब energy. Energy? मतलब sanity मतलब कि तेरा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा भाई. ये. अरे थोड़ा कट और लगा दो, वो कह रहा एक सेकंड हो गया. पारस की तरफ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी तरफ तो सही हो रहा. बाहर निकाल दे मुझे बहनचोद. अपनी तरफ भी लगाई दूं बहनचोद. ले और बता. ठीक है भाई. इससे ज्यादा तो भाई देख यूं यूं होना पड़ेगा मेरे को. टीवी से बाहर चले जाएंगे. कह रहे अंधेरे में ज्यादा खड़ा नहीं होना. हम तो खड़े ही नहीं होंगे भाई नीचे बिल्कुल. अरे इसकी बहन का लो. बम्बे बम्बे बम्बे. ओ बैंचो. पैरानॉर्मल इवेंट्स अकर रैंडमली थ्रू आउट द गेम. लर्न टू आइडेंटिफाई दिस पैरानॉर्मल इवेंट एज दे हिंडर योर प्रोग्रेस एंड डिक्रीज योर सैनिटी ग्रेटली. योर कैरेक्टर सैनिटी आल्सो अफेक्ट्स द नंबर ऑफ पैरानॉर्मल. ओहो मतलब जितनी तो एनर्जी कम करेगा उतने ज्यादा होंगे पैरानॉर्मल. अच्छा ये तो मतलब अगर तुम्हारी गांड फटेगी तो और ज्यादा फटेगी. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Need basement key. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest. Radio band karana hai humko. Hame karna kya hai waise ab isme? Acha interact karna hai cheeton ke sath. लाइट क्यों बंद कर दी? मैंने थोड़ी करी है. फिर नहीं करी. मम्मे 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 मैं लाइट तो ऑन. अरे कैसे ऑन करूं मुझे तो नहीं पता. अंधेरा हो रहा है. कहां से जाना है? अंधेरे में वो देख वो नीचे लाल होने लग गया. भागो 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 भागो. इट्स जैम्ड यार. वहां पे क्या था? कुछ मिलना होता. तूने लाइट खुद से बंद करी है अपने आप? नहीं बंद हो गई. मतलब वो बटन आ रहा था मेरे को लगा कुछ उठाने का बटन होगा. वो लाइट ही बंद हो गई यार. एक बार चैट खा गई बिना चैट के बैठे हुए. डरना है आपको? अरे डर जब लगेगा तभी तो डरेंगे. पता नहीं यार खुल जा मेरे भाई. एक तो इसमें अच्छा पीछे करना है ना. मैं वही सोचू. चाबी 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 चाबी. अच्छा वो सैनिटी मतलब वो इंक्रीज हो रही है. मतलब अगर एक बार डिक्रीज मतलब वही है ना. जब अंधेरे में रहेंगे तो वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी. फिर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा हुआ करेंगे. या गार्ड पट्टी में याद रहेगा मेरे को कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है. उठा के फेंक देते फिर वो मार जाता है. दूर मारिए फेंक के. फेंकने का बटन क्या है? फैक तो नाना बेटी छोड़ गए. छोड़ दे फिर. एल टी राइट ड्रॉप. एल टी दबा रहा हूँ लाल. ये गिलास फंस गया बहन चोद जिंदगी में. अच्छा ये एग्जामिन करने के लिए है. वो देख क्या कह रहे हैं भैया. आप जैसे पारस भैया को डांट रहे हो ऐसे लगता है आप बड़े हो. शर्म कर कुछ. कर रहा अभी कर रहा है शर्म. ओहो सामान उठा लिया ना तो जेब में रख लिया क्या? हाँ प्लेट भी उठा ले एक ना. और तो कुछ उठाने का नहीं आ रहा. तो गिलास का करेगा क्या? भूत का क्या? पानी पी. आ जा बेटा. ए बच्चे ए बच्चे पानी पी लो. ऊपर चलना. ए बेटे ने चिज्जी गालो. कहाँ चल रहा ऊपर? छत पे. वो जहाँ सीढ़ी आ रही ऊपर. तो वहाँ से तो आया ना. मैं भी फोन उठाया था यहाँ से. अच्छा उस कमरे से निकला था लेफ्ट गया. वहाँ पे पूजा रूम था. यहाँ पे सीधा आ गया. You need the key with a small mirror attached to it. Oh, नीचे की लाइट लाइट जल गई है. अच्छा सारी लाइटें बुझा दे रहे हैं. सब जला दूंगा.
there are two types of keys, dynamic items, random items stored when possible, and अरे यार ये तो हम समझ जाएंगे बाद में. Looking for the garage key, it's probably in your jeans pockets in your laundry room. लॉन्ड्री रूम की तो लाइट ही बंद कर दी मैंने. अच्छा चल गई वहाँ पे. लाइटों के बटन सारे देखते रहिए, इधर भी कोने बटन लग रहा है, जला दे. वाओ पॉजिटिविटी, साइन ऑफ पॉजिटिविटी. भैया ग्लास से गलत फीलिंग आ रही. अच्छा वहां से आया था मैं. इट्स जैम्ड. वो कह रहा ना बेसमेंट की इज इन द लिविंग रूम. बेसमेंट की इन द लिविंग रूम. ओके भाई ऐसे ऐसे लोग चाहिए मुझे स्ट्रीम पे बस. वहां से कैसी आवाज जा रही थी अंदर से. वैसे पॉजिटिविटी हो गई आपका. लिविंग रूम कौन सा था मुझे लगे वो ऊपर वाला. यही तो है लिविंग रूम. सोफे पे जींस जूंस तो नहीं टंगी हुई. यहाँ हाय भाई क्या हाल चाल. बहुत मजा आ रहा है भाई. लाइक अच्छा एक चीज हाँ तुमने लाइक मारनी भूल गए स्ट्रीम के ऊपर. फटाफट स्ट्रीम लाइक मारो. फटाफट फटाफट लाइक लग जाने चाहिए कम से कम. हमें लगना चाहिए कि हमें लोग आ रहे हैं देखने. हम अगले दिन देखते हैं व्यूज 7000 और लाइक्स जरा से धुन लाइक स्ट्रीम पे 1500 लाइक होंगे. शिबू भाई अपना चेहरा दिखाएंगे. ब्रो विच गेम इज दिस. भाई टाइटल में लिखा तो है. भारत भाई आप शिबू भाई को डांटो. आपका खौफ होना चाहिए. देख अभी गांड मारता हूँ इसकी. डांटने को गाता लो. वैसे बटन लाइट है क्यों जला रहा. मुझे एक उधर सीढ़ियों में जाके ऊपर जाना है मुझे लगता है. यही तो इंटरेक्टिव चीज लग रही है मेरे को एक लाइट. ये बंद है जाम्ड. वही सही है वहाँ चल तो वही ऊपर जहाँ तो लाइट बंद करके आना वहीं जाना है. यार वहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ. अब जा रहा फिर देखे जाइए. कच्चा बादाम है बोलो कच्चा बादाम. कच्चा बादाम ये देखा. हाँ बहुत बढ़िया. ओ यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं. हम तो पहले ओ मुझे लगा कुछ था वहाँ पे. यहाँ पे देख इसका बटन भी हो गई. यहाँ मैंने शराब की बोतल. अरे इस पर चूते पे टॉर्च टूर्च नहीं है क्या. पिल्स एक्ट एज एन कैरेक्टर सैनिटी देयर एसेंशियल. ओके बचाने के लिए हमें जेब में रख ले. लेफ्ट पिकअप. एलटी आरटी क्या है यो. अच्छा एलटी नीचे वाले हैं. इसको करना है. क्या करा तुमने. अच्छा इसको ऐसे करके ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तुझे दे दिया तुझे समझ. हाँ स्टोरी बताओ. स्टोरी कुछ नहीं है भाई जिंदगी में. सब खत्म हो चुका है. इसका पहले बटन जलाओ यार. यहाँ पे अब तो कुछ मिले. मैं स्टोरी वही बताओ क्या. कौन सी लैपटॉप वाली स्क्रीन टूट गई. आज नहीं यार पारस. अरे आज नहीं आज आज आज, आज नहीं. इसमें तो कुछ नहीं है. चलो कब तक खेलोगे. अरे जब तक जान है तब तक जान है. ओ भैंस क्या. हाँ भाई अगला बिग बुल मैं ही हूँ आदित्य चौहान पूरा. भैंस क्या मेरे मेरे पे मूवी बनेगी अब. ये खुल गई ना 1992 में. अब 2022 बनेगी. अरे यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. खोल ना. इसकी जीन्स में होगा यार. भाई अभी तो फटी. लाइट जलाओ पहले. कोई लाइट बंद कर दी तूने लाइट. अब चूते जली नहीं. कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है. टिक टॉक टिक टॉक. यहाँ से निकलेगा बढ़िया भूत. देख गया अभी तो. कूद जा मेरे ऊपर आ जा. जीन्स की जीन्स का है श्वर्णाभो. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. थैंक यू भाई. ओ जीन्स कहाँ है. लिविंग रूम तो यही लग रहा है मेरे को. इतनी शांति क्यों है गेम में. अच्छा लाइट है भाई. कहाँ है जीन्स. दूसरे कमरों में चले. वीडियो इज पिक्सेलेटेड भाई. वो डार्क गेम है ना. डार्क में थोड़े से बिटरेट ऐसे ही होते हैं यार. अरेंज मतलब सॉरी एडजस्ट कर लो प्लीज प्लीज. क्योंकि डार्क गेम्स में यूजुअली ऐसे ही होता. क्या करूँ
ये आवाजें कैसे आ रही थी? वो भी दरवाजा है। काचा बादाम दाम। लाइट जलाओ। लाइट हर जगह जलानी है सबसे पहले। हाँ बस वो कह रहा कि भाई लाइट जलाते रहियो जहाँ तुम्हारी। भैया बिटरेट 8000 है यार, लाइव स्ट्रीम पे 8000 से ऊपर तो फिर दिक्कत करेगी ना। हमारा कहने तो दे गया। अब चाबी ढूंढनी है हमारे को। ओ तो बैठ गया इसके ऊपर। बैठ गया कहाँ बैठा? दिखेगा थोड़ी। वो चाबी मिल गई, इलेक्ट्रिक सिंबल अटैच टू इट। अब इलेक्ट्रिक सिंबल वाली मिल गई है हमारे को। वेदांत ओजी कौन है? आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका इंस्टा लिंक मिलेगा, पता लगेगा कौन है। फॉलो कर लो भाई को अपने, फटाफट फटाफट कर लिया जाए। कैंडल्स कैन बी रिप्लेस्ड। टंगी हुई है सूखने। अरे भाई सही बताओ, कहाँ टंगी हुई सूखने? नहीं क्या आप तो सही बता रहे हो? ओ बैंस क्या, ये भी तो खुल गया। डरना नहीं है पुत्र, बिल्कुल नहीं डरना। बहुत मोटी लाइट जली गई। ये क्या होने वाला है? बम फटने वाली है। आवाज तो ऐसी आ रही है जैसे बड़ी अजीब अजीब आंधी पई है। मुंह पे मार रहे हैं जो पैक है। नहीं मैं देख रहा हूँ ना, कभी कभी हमारे कुछ मिल ओ कुछ आवाज आई ना। हाँ आई तो है। ये ऐसे ऐसी गुड़िया पड़ी ना बड़ी बड़ी सी, मैं डरावनी सी थे। ये अंदर की लाइट। ओ अब है वो, उसकी आवाज है भाई, वो सुपर चैट की वो कर रहा है यहाँ। सफेद कपड़ा। ओ ओए क्या हुआ? अपने आप हुई लाइट बंद तो नहीं? हाँ किसी ने करी है। ओ बेंच तो कुछ हो रहा है, कुछ ओंदा पे है पाजी। नहीं वहां पे वो कुछ वो भूत की फोटो बनी हुई ना पाजी, कुछ ओंदा पे है। ये देख नॉक नॉक करके वो कुछ हो रहा है। ओ नाइन 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 नाइन, मेरा नॉर्मल एक्टिविटीज होती है। पुत्ता दी आवाज आंदी पई है पुत्र। अंदर भी एक दरवाजा है। आहा मैं तो अलमारी के अंदर से दरवाजे। ओ ये है लिविंग रूम लगे, इतने अंदर लिविंग रूम मैंने अलमारियों में से घुस के बना रखा है। अरे लाइट कहाँ है यार? लाइट फटाफट जलाओ। देख यार फटेगी पारा, हंसी हो मत मेरे ऊपर ना। मेरी तो फटे तेरे से ज्यादा फटेगी, मेरी तेरे से ज्यादा फटेगी। आपके वीडियो देख कर लीजिए लो, वो लीजन 5 ले लिया मैंने भाई। सुपर चैट का ऑडियो बंद कर दो, वो कह रहा भाई। क्या कर रहा हूँ? सुपर चैट का ऑडियो बंद कर दो, कहीं बहन जो उसकी ऑडियो सुन के गाना। हाँ सही बात है भाई, वो ऐसा फटी थी ना हमारी ऑडियो। बंद कर देंगे सुपर चैट। डोनेशन ये तो हो गया ना, ऑडियो कहाँ आएगी इनकी? टिक हटा देना उस बैग के। नहीं अरे आवाज 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 साउंड, ये री साउंड, नो साउंड, अब नहीं आएगी साउंड। चलो भाई जीन्स ढूंढो जीन्स। यहाँ से हम आए थे। अच्छा येरा बटन प्रेस की बैन। ये रही लाइट, ये तो बंद हुआ है कुछ। भाई साहब लॉन्ड्री वाले कपड़ों में कह रही थी वो। खुल रहा है ये भी, खुल रहा है उनको। घूम के वहीं आ गए तो वहां आ गए ना जो जाम था डोर। सूरत कट हो गया है सर, सर जी सूरत कट हो गया है, तो हमारे को मतलब यही जाना होगा। 100 वॉचिंग ओपी, थैंक यू सो मच। ये भी तो है खोली से बैग को।
चैन ही नहीं है इसके अंदर, चैन है तो कहाँ है चैन? उधर की साइड है ये रहा। ऐसी गलत चिपकी हुई ना चैन भैंस मोम के साथ। पैर के मार इसमें देखा, इसमें पड़ी होगी। ओ पैर कितने तरज हैं ये। सारी खोलनी पड़ेंगी। अच्छा हमारे घरों के दरवाजे हो उसमें मैच पता नहीं क्या क्या पड़ा। हाँ सुई धागे बटन मैच इनके दरवाजे खाली पड़ी। हाँ और आधी आधी खुल रही पता नहीं मैं। अच्छा मैं खड़ा था ना वहाँ इसलिए आधी आधी खुल रही। फंस गई बहन जो अड़ गई है। नहीं है कुछ ये भी है इधर इतने सारे दरवाजे तो वो नशे की गोलियाँ पत्ते। लाइटर आए तो लाइटर यूज्ड टू माइनर सोर्स ऑफ लाइट एक्सप्लोर द हाउस एंड लास्ट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दे विल नॉट प्रिवेंट स्ट्रेस बिल्ड अप स्टैंडिंग इन द डार्क विद अ लाइटर डिक्रीज योर कैरेक्टर सैनिटी दैट ओके चल था लाइटर तो बहुत जरूरी काम है रख लेना इसे उसमें ये अपने इसको तो हाथ में रखता हूँ। इतना अंधेरा क्यों है बिल नहीं भरा और भाई गान फटी पड़ी है यहाँ पे। इनने कैसे रोटी ऐसे रख रखी है? अबे कैंडल है वो रोटियाँ। ये देख क्या लिखा कैंडल्स कैन बी रिप्लेस्ड। वो बुझ के रोटी जैसी हो गई है। ठीक है यहाँ तो नहीं है जींस कोई उसी में ही जाके देख। तो वो जो कह रहा बैग क्या चीज वो जो वहाँ पे जाके लाइट सी बुझ रही थी ना यहाँ पे। हाँ इसी में कुछ लग रहा है मुझे। अब हमें क्यों आ रही है आवाज? नॉक नॉक तेरा बाप आया। टुड़ू 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 इंटरेक्ट करके क्या करा इसने? हाँ तो वही नॉक नॉक हो रहा ना सक्षम ने। अच्छा ये यूट्यूब का ये भी बंद करना पड़ेगा आवाज ना मतलब दिखता रहेगा तुम्हारे को। क्या दिखता रहेगा? अरे ये क्या कहते हैं जो ये मेंबरशिप ले रहे ना उसकी भी तो आवाज आ रही थी। अच्छा हाँ गांड पड़ गई अभी। चलो जी दो ही चीजों की आवाज आ रही थी। वैन भैया आपका बर्थडे कब आता है? आने वाला बस 31 जनवरी। 31 जनवरी हमारे को एक की मिली है। अब वो की शायद कहीं लग जाए। ये देख इसमें इट्स लॉक्ड नथिंग इंडिकेट्स व्हिच अनलॉक्स इट। जो हमारे को की मिली है वो अरे कोई है क्या बताओ तो भाई कोई तो बताओ कुछ तो बताओ यार। ये सबरे सब स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसा करोगे क्या तुम भाई के साथ है यहाँ मित्ती मेहनत से ड्राइंग ब्लू टेडी बियर ऑन द ग्राउंड टेडी बियर था वहाँ जाके कह रहा। यस पिक द ड्राइंग ब्लू टेडी बियर ऑन द ग्राउंड ये रहा इसके घुमा गांड पीछे घुमा गांड कुछ नहीं है इसमें। भाई इधर तो कुछ नहीं है। ये नीचे पड़ा कोई इसमें भी कुछ नहीं है। चैट पड़ी हो बारा जरा चैट नीचे मिलेगा उसकी का डोर। बाथरूम में जाओ कह रहा लाइटर लेके। अच्छा वहाँ बाथरूम में चल वहाँ लाइटर लेके। ओ मैंने नहीं करी पैंचो बंद। बाथरूम में जा वहाँ लाइटर लेके लाइटर चलाता रहूं। हाँ मैं इसमें चल लाइटर लेके लाइटर चला। कहाँ है इसका लाइट का प्लग? ये भैंचो अपने आप तो नहीं बंद हुई थी ये पता। अब बंद अब देखें कुछ वो इसमें भी बदरवाज जाएगा। ओहो ये तो हमने गलत कर दिया। ओहो ये है लिविंग रूम ये तो वही कमरा। ओह
घंटे बज गए। अब मैं लाइन रोशनी पकड़ रहा हूँ, रोशनी पकड़ रहा हूँ। इसका दिल, इसका दिमाग खराब होता जा रहा है। तभी तो रोशनी में खड़ा हूँ मैं। कह रहा दिमाग खराब होता जा रहा है मेरे, इसमें धड़कन तेज हो गई। टेक माय नेम केशव लेथर। यार नाम वाम लोग बता, ऐसा करोगे क्या? फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड रूम कह रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड रूम। टूथपेस्ट, टूथब्रश। हम फर्स्ट फ्लोर पे तो इस टाइम। अरे ये रहा टेडी बियर। अच्छा ओ बहन चो, ये कहाँ से आया? क्या करना है इसको? इसकी गाड़ मांग लगा दूं? मे योर सोल रेस्ट इन पीस, फेंक दे दे। ये कौन बना के गया? लेकिन अभी तक तो अंधा शायद यहाँ पे। ये हो सकता हमने तब तक देखा नहीं था। वो कह रहा जीन्स में मिलेगी चाबी। टन 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 टन। आग लगा दे कपड़ों में भैंस की आँख। ये तो मोमबत्तियाँ हैं। चैट पढ़ दे। कोई एक लौंडा है जिसको पता है इस गेम के बारे में। कीबोर्ड माउस से खेलो, कंट्रोलर से पॉइंट करने में दिक्कत होती है। डोल पे हैंड प्रिंट है देखा क्या? हाँ हैंड प्रिंट है तो क्या करें उसका? डोल पे हैंड प्रिंट तो है। कौन सा हैंड प्रिंट है? वो डोल के, डॉल के ऊपर हाथ बना हुआ था ना। यू नोटिस दैट द टीवी रूम डोर इज ओपन नाउ। जा नीचे जा फिर। एक मिनट पहले इसको देख ले। इस पर हाथ बना हुआ है ना। टीवी रूम डोर इज ओपन नाउ ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओके ओ बैस की आंखों, क्या हो रही? लाइट लुइट की चेंज हो रही है। ओ टीवी रूम इज ओपन नाउ। ये खुल गया अपने आप ही। अच्छा ये तो बंद था ना पहले। मम्मे ये कुछ खुल गया था यहाँ पे ऊपर का दिखा रहा है। वो कोई खड़ा है भैंचो, दिखा तुझे वहां पे? हाँ हाँ दिख गया। तो अरे चुप, मैं ही दबा रहा हूँ उसको। तुझे अब साले, मैं तुझे हिम्मत के लिए बैठा था, तू मेरी गांड फाड़ने के लिए बैठा हुआ। ओ भाई ओ ओ ओ कंट्रोलर क्यों वाइब्रेट कर रहा है? ये ऊपर जाना ना, यहाँ पे यहाँ जहाँ जाना है। लाइटर चला के रख दे। अबे मेरा कंट्रोलर वाइब्रेट कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। उसकी बुन पट रही होगी ना भाई। भाई सिपू लाइटो मेरे है, लाइटो मेरे, लाइटो मेरे। उधर वो है, ज्यादा साया है बहन चुपूत का। अरे की मिल गई। ओ बेसमेंट है ये। ओ भाई बेसमेंट की मिल गई नीचे की। चलो भागो 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 भागो, कुछ नहीं देखना इधर। आओ देखो ना, ताओ भागो जाए बस नीचे, इधर उधर बेसमेंट में। कहाँ है बेसमेंट? वही नीचे जाके तो है वो। वो कह रहे थे लेकिन वहाँ के तो जीन्स में है, लेकिन मैं तो मिली यहाँ पे। तब भी जीन्स उतर गई ना इसकी। रूम की फुटेज। अच्छा गैराज रूम। हमें कौन सी की मिली अभी? बेसमेंट की। वो कह रहा कि वो देर इज बेसमेंट की ऑन द टेबल। ले ली चाबी वाले। अच्छा रूम की फुटेज है वो। हाँ कौन सा रूम की फुटेज है वो? कह रहा माल फूक के खेलो, डर नहीं लगेगा। सालो कह रहा पीछे है बेसमेंट। ये है मुझे लगे बेसमेंट पीछे। ये इसे बंद कर लेंगे। चुप बैचो, यू नीड द बेसमेंट। ये है तो तेरे पे। ओपन इन्वेंटरी। लकी ये भैन चोद इतने अजीब से कंट्रोल। ओ क्यों है? पटपट जाएगी थर तो जल्दी। दोनों चला, दोनों चला ले भैन चे। बेसमेंट की से वो वाला भी खुल रहा।
अच्छा बेसमेंट की है ना, पहले तो आगे लाइट जला। ओ ये तो बंद हो रही थी, आगे देखो ना बेसमेंट वाला डोर। हाँ 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 You can't use this यार। अरे यार हल्का सा उधर घूम क्या यहाँ कूद गया, खुल गया अभी। कच्चा बादाम दल कच्चा बादाम। बेसमेंट में किचन है इनकी, मुझे समझ नहीं आया कैसे कर रहे हैं काम। कह रहे हम डरना चाहते हैं लाइफ में, हमें डर चाहिए। कहीं भी कितने भी कमरे बना देंगे बहन चोर, इधर उधर रास्ते मिला देंगे उनके। अरे भैया बहुत सड़ी, ये देखिए उधर से उधर से इधर आ गया ना मैं। थोड़ी देर बाद ना इनका नक्शा समझ में आ जाएगा कि हो। हाँ नया नया गेम खेलो ना बेसमेंट की। तेरे सारे दरवाजे बोल दूंगा जा भी तू। वाओ मुझे डर चाहिए। लाइट चली जाएगी यार मुझे पता। हाँ चली जाएगी मुझे पता। ऐसे हथौड़ा मार पैचो, ये क्या है रख ले से वो है, ये पाइप वो रखते नहीं क्या कि सीधा बनाया और टेढ़ा बनाया, मिस्त्री लेके रखे। एग्जामिन के लिए आ रहा, वो रखने के लिए आ भी नहीं रहा। टेढ़ा बना सीधा बना, दीवार बनाने में रखते हैं ना। हाँ तो चौथिया हॉरर गेम है, मिस्त्री का गेम थोड़ी है। लाइट जला तू, ये क्या हो रहा है, मिट्टी ऐसी निकल रही पता नहीं मैं क्या क्या। देख इतना बड़ा घर था भी और बनाने की कोशिश थी इनकी। हाँ बहन चो पागल। अवॉइड स्टैंडिंग इन द डार्क फॉर टू लॉन्ग। भैया जी गांठ फटने वाली है हमारी भाई, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाएगी। होन दे गांठ फटने के तो बैठे हम, जितने में तुम्हारा घर छे। एमसीडी के नशे पास नहीं करते ये लोग घर बनाने से पहले। कह रहा है एमसीडी वेरी नाइस। ओ ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। कह रहे ऊपर तो कर नहीं सकते बेसमेंट में कर लो। ऐसी आवाज़ें क्यों हैं इनके दरवाजे में, पैसा इतना लगा दिया घर बनाने में, ग्रीस लगी नहीं चौदों पे। अलमारी में बेंच कुछ नहीं रखा, एक 10 का नोट ही रख देते। इसके अंदर से कुछ निकलेगा देख अभी। बाल दे बेंच सिलेंडर क्या था ये, करना क्या था इन्होंने यहाँ, देख पड़ता रहा कोई कुछ तो बताएगा। मॉड में चैट डिलीट मत करो, मजाक कर रहा हूँ। कोई ना यार लड्डा छड़ना नहीं है। ओ? नहीं। अरे अब हमें क्यों आ रही है आवाजें, हमने तो हटा दिया आवाजें। ये आवाजें इसकी आ रही क्या? हाँ श्यो सब्सक्रिप्शन की आवाज भी आ रही है यार, अब सब्सक्रिप्शन की भी हटाओ। तुमने सब में इतनी डरावनी आवाज क्यों लगा रखी राजकुंद्रा क्या रहा राजकुंद्रा का स्टूडियो। वो कह रहा है कि उधर की साइड जाओ बेसमेंट में। किधर की तरफ, जो जहाँ से हम वापस आ गए, हम नीचे नहीं उतरे ना। ये आवाज कहाँ से आ रही है, बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने वाली है और क्या होने वाली। लाइट तो खोल दे, लाइट जला के चल। तो अपने आप बंद हुई लाइट भाई, मैंने नहीं करी। आई डिडंट डू एनीथिंग। What the hell? Huh? Oh! Don't fado god! ये क्या हो रहा है? टीवी चल रहा है इधर। आवाज किसकी आ रही है ये? कहाँ से चल रहा है? आह! टीवी बंद नहीं करना। ये क्या है? पता नहीं सामने घर में बर्फ तो खेल ले ले ले, ले। अरे कुछ नहीं होता बहन चो, बहुत अच्छी गेम है भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है गेम। पॉजिटिविटी आप बहन चो कौन है आ कितने दरवाजे हैं वो कह रहा वॉइड स्टैंडिंग इन द डार्क, हम डार्क में बहन चो एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिमाग फट जाएगा तो कौन है पहले देख ले। इसे खोलिए सेव हो गया भाई, फ्रिज को खोलिए
फ्रिज के अंदर कुछ है, यहाँ लाइट जलेगी, फ्रिज के अंदर कुछ है, निकल फोटो कौन खींच रहा है यार भाई, मेरा मन हल्का हुआ जा रहा है यार पता नहीं क्यों एक बूथा के ये कैमरा चल रहा है भाई यहाँ पे, ये फोटो खींच रहा है, वाओ आओ हम फोटो खींचेंगे, आओ यहाँ चल रहा था कुछ, दिखा पैंच कौन था यहाँ, वो भी तो चल गया, उसको अपने जेब में रख लेना, वो कुछ आया था हाँ इधर जाना ना, वो रहा हेलो तुम्हारे लिए तो पैसे भरे थे बैंचो, आ तेरी पहनू नमन आजा 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 पेटे स्मार्ट गाय फोटो हेलो चेक स्पीचीज आ बॉडी की एकदम तो नहीं आ जाएगी, हो एकदम नहीं आवेगी, अरे हम नहीं पढ़ती, आजा आजा चीज आजा तेरी फिल्म बनाऊं, फिल्म बनाऊं आगे घुसते जाके आ जा आजा आजा पीछे कहाँ जा रही, मैं पीछे कहाँ जा रही, तू पैसे दे रखे डरा के जा, मैं ये लाइटर इज नियरली एम्प्टी हो गया बेंच, ये तो गलत बात है यार, इतना डराना था बस, थंबनेल की फोटो ले लो आवाज तो आ रही इसकी यहां से, उस ये रास्ता दिखा रहा था, ये देखिए जा रहा रास्ता, तो ये कैमरे की फोटो भी लेता चल रहा था, ओ 180 डिग्री हो रही तेरी ऊपर जा लेटर, सर जी ओ पुंड फटी है सर जी साड़ी, क्या लाइट चली आ खड़े हो जाते हैं, इसमें जाना है बेसमेंट में, आने कौन सा ओ ओ ओ ओ ओ ओ डेंजरसली लो ओनली पिल्स विल कीप यू, जल्दी पिल्स खा ले, यू कैन नॉट स्टोर बैंड के लौड़े खाली पिल, पिल खाई नहीं खाई पता नहीं खाई, इन्हें गिर दी जमीन पे, डिक्रीजिंग होगी इसकी भाई खा ले गुर्दा छील दिया गुर्दा छील दिया भाई गुर्दा छील दिया, कच्ची फट जाएगी बैठ चढ़ बहुत तारा बैठा बैठ के लोड़े खराब जाते हेडफोन तारो बैठा यहाँ एक साइड से तार रखा है, टेक खुराना को रेड कर भाई, उसकी वॉचिंग पता नहीं मार ज्यादा नहीं आ रही, 27 इंच पर 1080p सही, हाँ सही रहता सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, हमने करना क्या था इसमें वगैरह, पिल्स ले ले बहुत दिखे, इतनी देर से बोल रहा हूँ तेरे पिल नहीं खाई गई, अगर पिल नहीं लोगे तो भूत अचानक से आ जाएगा, तो यार मैंने दबाया तो था पील वाला बटन, 14 जमीन पे गिरा दी, अभी देख इसकी सैनिटी डिक्रीज होती जा रही है, पील लेगा कैसे, स्टोर ऑब्टेन लेफ्ट, अच्छा इस वाले बटन से लेना ना, के नहीं कर वहीं जाना है जहां तुझे बेसमेंट में, जहां हम नीचे नहीं उतरे थे सीढ़ी में, अच्छा ये देखिए ये सीढ़ी है शायद इधर यहां से सुनिए ये यहां पे ये दूर छूती है, कहाँ है वो जो दरवाजा था खोल के गया, इलेक्ट्रिक रूम की, इलेक्ट्रिक रूम की मिली भी हमारे को, हमारे पे है तो एक नहीं वो तो वही है इलेक्ट्रिक, सैनिटी हो गया बहन चो
क्यों अंधेरे में पड़ रहा तू? लाइटर भी जलाया तूने। अब एक तरफ कैमरा रखूं, लाइटर रखूं, एक तरफ तो गोलियां खा लूंगा मैं। नाइट्रो का रिव्यू सिखाने वाला था। अरे यार उससे पहले ओमेन ले आया मैं। अब नाइट्रो भाई एक पौवा आपको सेट कर देगा और क्या हिल हाईलाइट बनेगी। इस गेमिंग सेशन के बाद गेमिंग डिस्प्ले डायपर पे गेमिंग डायपर बाय लॉन्च बाय वेरम टेक। इलेक्ट्रिक रूम की सबसे पहले मिली थी कि हमें वो पहले वाले की इलेक्ट्रिक रूम की है वो। तो फिर आ गई कुतिया। इलेक्ट्रिक रूम की लगाया यहां पे। अरे उस चोदी को तो जानते पहले। वाओ जा रही बहन चो बर्थडे से टप पैर चला चला के लाइट में घुस जा। लाइट लगा दे, लाइट 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 नन्ने चलेगी चलेगी चलेगी। क्या करना था बहन चो? इलेक्ट्रिक रूम की का चाबी है ये वाली, ये वाली इलेक्ट्रिक रूम क्या फेंक रहा बहन चो? अरे नहीं ये है इलेक्ट्रिक रूम नहीं, वो एक जगह तूने दरवाजा लगाया था ये आया तो था उधर की साइड आया था शायद जहां पे तो कह रहा राम जो लाइट जला दे इलेक्ट्रिक रूम में। लाइट जला। अरे पहले पिल खा लूं भैंस चो फिर आ जाएगी रंडी। दो चार हम भी चूतिया गांड फटाने के पैसे दे रखे अपने। लाइट तो जला लेता। कहाँ है लाइट? वो लगाओ बटन। कहाँ है? बटन नहीं लगा रहा है। गलत ही नहीं। चलगी चलगी चलगी। सारे। अच्छा अच्छा घर की लाइट ऑन ऑफ है ये। तो हम आए क्यों हैं यहाँ? मुझे तो लगा कुछ एक्स्ट्रा लाइटें जलेंगी। बल्ब उतार लेगा ये। It seems it's working properly. दिशांत भैया को रेड कर दो मैं वाचिंग। अरे नहीं कोई बात नहीं, बात कर लेंगे यार। भूत की फोटो ले। भूत की ली थी फोटो। भूत ने कहा था पैन के लवड़े भाग यहाँ से। द स्टूल इज नाउ स्टोर्ड इन द स्टोरेज रूम। ये भैन चोद लाइट तो मैंने बंद भी नहीं करी पूरे घर की, क्यों भाग गई है? क्या करा तुमने? ये स्टूल हटा दिए इन्होंने यहाँ से। यहाँ लाइट बंद क्यों कर रहा था? नहीं ऑन थी। अरे घर की लाइट क्यों चली गई सारी? लाइट चला दो चलो। ले अब और गांड फटेगी। इसे मत कर, इसमें से वहन चलो निकलेगा थोड़े दिन बाद। तेरा वो सिर लाल हो रहा है वहन तो। अब मैं क्या करूं? पिल खा रहा हूं तो। ओके अच्छा लाइट अपने आप बंद हो गई भाई सारी। सारी लाइट जला दे। अब हमें कहाँ जाना था? वो देख रहा है जो बेसमेंट का एक रास्ता था ना नीचे जाने का, बीच में जो तूने छोड़ दिया था, दो दरवाजे थे उनके बीच में रास्ता था। टट्टी कर लो। तो दो दरवाजे थे उनके बीच में रास्ता। हाँ हाँ रुक जा समझ गया मैं। स्टोरेज रूम नीचे है शायद। यहाँ से बीच कर बेसमेंट की। पैंचो ग्लव्स फटे थे, मेरे हाथ पड़ा है किसी का। कोई पैंचो कहाँ का रास्ता है? गैराज रूम की। बेसमेंट के दरवाजे तो भाई ओवर हो गए टोटल, क्योंकि की गायब होगी ना जेब में से। तो बेसमेंट में वो उसमें तो बीच वाले रास्ते में नहीं गया बस। हाँ हाँ थम तो जा यार। तुझे याद है रास्ता जो मेरी गांड मार रहा बैठ के? यहाँ नहीं, ये वही रास्ता आ गया। यही तो गया था नीचे में। नहीं यहाँ नीचे गया नहीं था तो, वहीं नीचे से आया जो रास्ता रह गया। हाँ तो
वाह लॉजिक की माँ चौधे बैठ के यहाँ एट द एंड मतलब पूरा हो गया काम यहाँ का हो गया क्या करना अब हमें स्टूल इन दी स्टोर्ड वो कह रहा है स्टोरेज रूम स्टोरेज रूम ये है स्टोरेज रूम अब नक्शा तुमने बनाया बहन चो तो गांड तो मारी मार रहे हो मास्टर पारस को कंट्रोलर दो मास्टर पारस गांड मार लेंगे हमारी पारस ने कौन से हेडफोन लगाए हैं मैंने कौन से लगाए हैं भाई XI 900 भाई Enter the kitchen, keep left through the small hallway. On your left, there is a laundry room. Open the door to the laundry room. वो laundry room में जाना है. Kitchen कहाँ है? Kitchen तो वहाँ थी वो. नीचे से जाके थी कोई. नहीं वो अलमारी से अलमारी में घुस के थी वो. नहीं नहीं वहाँ थी किचन. नीचे जाके थी ना. किचन वहाँ थी शायद. कहाँ थी? जहाँ basement में घुसा था ना जहाँ से तू वहाँ से. ये तो गैराज हो गया. नीचे तो खोलनी है मैं गैराज वाली की तो चाहिए. ऊपर चल और उस गैराज वाली की तो और भी खुलेगा ये बेसमेंट वाली जगह से जाए वहाँ से नीचे उतरती थी किचन में यहाँ पे हाँ ये रही किचन सामने ये किचन थोड़ी है अच्छा है किचन है कीप टू योर लेफ्ट लेफ्ट में क्या कह रहा वो लॉन्ड्री रूम बता रहा था वो लॉन्ड्री अगर हम इस तरफ से आए तो मेरा लेफ्ट ये है तो लेफ्ट तो यही है ये सामने भी कुछ जा रहा तो लॉन्ड्री रूम बता रहा हूँ ना यही है शायद लॉन्ड्री रूम सर जी लाटा लाटा जला दो सीम्स टू वर्क प्रॉपर्ली पर बटन कहाँ है इसका यहाँ तो हम पहले नहीं होके आए ये तो वही जगह है तो जला तो है नहीं ये लॉन्ड्री रूम वहाँ ऊपर है मुझे लगा दूसरी साइड कह रहा है ओ बैंड चो भूत आने वाला है सिर लाल हो गया है सिर चकरा गया इसका हमारे हेडफोन्स भी आने वाले हैं हाँ बस आने वाले जहाँ कैमरा चलता है वहाँ मत जाओ भूत आने से चलता है वो थोड़े कैमरा तो हर जगह चल रहा भाई मैं दबा रहा था बटन भाई से नहीं आना पड़ेगा थोड़ी देर में भी पूरा घर का रास्ता याद हो जाएगा हमारे को चिंता ना को उधर जाना ये कह रहा कि किचन के बगल में है किचन के उधर अपोजिट साइड नहीं क्या तू चलो अपोजिट साइड चल लेते हैं ये क्या है इधर बाहर तो बाहर बारिश हो रही है ओ लॉन्ड्री सर लॉन्ड्री मिल गई है कपड़े धो दो भूत आएगी उसको यार रुक जा पहले कपड़े धो लॉन्ड्री में कह रही थी वो जींस में है तेरी पैंट जींस में है पैंट बहुत सड़ी के ये तो वही बात होगी ए भाई जींस की पैंट पहन रहा तू तो भाई अरे बहुत बढ़िया जींस की पैंट पहन रखी मतलब जींस की पैंट में तेरी चाबी है बहुत सड़ी का इतनी साफ तो लॉन्ड्री इन्होंने पूरे सुबह सुबह चट कर टाइट रुक रख के वॉश क्लीनर रोलैक्स बोलैक्स रेटॉक्स हाँ सारा बेंच कच्ची बनियान सब धोने का जुगाड़ है है तो है नहीं कहाँ है लॉन्ड्री का क्या है चैट कहाँ है वो दिखाइयो और लॉन्ड्री वाला बंदा कहाँ गया वॉशिंग मशीन में देखो वहाँ मिलेगी वॉशिंग मशीन में ओ बेंच इतने फंसा फंसा के रख रखी ना जींस बोल भाई इसमें पड़ी जींस तेरी खून लग रहा है तो फिर उठाई नहीं इसे जींस को ना इंट्रैक्शन का बटन ही नहीं आ रहा आग बाल दूँ क्या इसमें लाइटर भी खत्म हो गया दो लाइटर उठाए थे हमने भैया मिल फी नहीं है वॉशिंग मशीन में चाबी सामने है लुंड्रे का है का लिखा क्या 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 हाउ Interact with the machine, ये रहा इसका चैट The door of the laundry machine will open and the garage key will pop up. बहनचोद हमारा गेम चूतिया है क्या
हमें तो कोई पॉपअप नहीं मिला। ओ रुक रुक रुक, यहाँ भी तो इंटरेक्ट आ रहा था। अच्छा तो इसी को बंद करना था। मशीन देख वहाँ बटन बटन चलता होगा मशीन पे, वो सामने बटन सा लग रहा है। ना ये भी चल रहा। जीन्स की पैंट तो इसके यहाँ रखी पर दिख तो नाना को चंद्र को, ये तो खून सा लग रहा है इस पे। भाई बताओ कुछ। बूट को अंदर डाल के धुल दो। लाइटर यूज करो, वो कह रहा। तो लाइटर कहाँ से लाऊं, बेंच लाइटर तो खत्म हो गया वो। लाइटर वहाँ एक आधा पड़ा था एक्स्ट्रा, यहाँ तो नेक कर ही पैक देता हूँ। यहाँ सुट्टे पड़े तो लाइटर होगा यहाँ। सुट्टे पड़े माइक्रोवेव में जीत दो बेंच। कप इज एम्प्टी हाउस हेड। वाह लाइटर पक्का लाना पड़ेगा। किसने बोला लाइटर लाने के लिए? निकुंज कह रहा है। अरे नहीं नहीं वो जो बंदा जो बंदा बता रहा था ना वो सही बता रहा था, एक ही बंदा है जिन्हें खेल रखी गेम में। टाइट का एचटीएमएल का पैक बना लो वैसे कुछ बकचोदी करे जा रहे। बता दो भाई। यार वैंचो ऐसे मत करो यार वैंचो। अब लॉन्ड्री में वो ने काविता गिरा की एक बार दोबारा पढ़ के आओ। वो देख लॉन्ड्री यही थी, हम यहाँ से तो यहाँ गए नहीं। एक बार वहाँ जाके दोबारा पढ़ के आओ क्या लिखा है। क्या आप क्या पढ़ के आऊँ वहाँ? देख वो दूसरे वाली के साइड जाना बेसमेंट में। हाँ उधर उधर की साइड, उधर की वो दूसरा जो गैराज की है उसने क्या लिखा है वहाँ पे एक बार उसके ऊपर। कहाँ? सामने सामने चल, यहाँ से नीचे जा। अच्छा तो देख उसने वो पर्चे पे क्या लिख रखा है। लिखा ना इसने looking for the garage gates probably in your jeans pocket in the laundry room as always. बस हनी इसकी घरवाली लिख रखा। अब तूने वो नोट रख लिया जेब में? हाँ। पहले रखा था तो ना ना पहले नोट भी रखा था मैंने, वही कुछ गलती हो रही थी वो इसलिए दिखा रहा होगा। हाँ। पहले हमने ऐसे ही पढ़ लिया ना सब प्रॉपर से, तो वो गेम की पूरी कोडिंग पूरी नहीं हुई होगी। ओ कट सीन। शर गेम की कोडिंग पूरी थी। अच्छा अभी ढूंढ रहा है बहुत दिखा ही हाथ डाल के। You found the garage key baby। अच्छा ये और लट्टा बंद होगी बेबे बाहर की सारी की सारी। नहीं भाई चलो हरी करारी सुखे लाल पजो। देखा अब गेम में अपना बनाने लगा है। हाँ। ये जगह अपनी है। बोलो पैन दी शिगी पैंच। अरे यार गड्डी शड्डी ठाओ यार चलो इतो तो बड़ी चूतिया जगह है ये जी। लेटर नहीं लेके आया तू यार? लेटर भी मिलेगा देख गाड़ी में सोटेरी है एक नंबर का। ये मर्सिडीज की गाड़ी है इसकी तो। ये वही वाली बात होगी भैया ऑडी पे आ रहा हूँ मैं। BMW। हाँ BMW पे आ रहा हूँ बैंड क्या लौड है ये क्या है तो अवॉइड स्टैंडिंग कह रहा वो पहले इसे तो फेंक दूंगा बाहर। अरे यार एक तो कोई चीज ठाल है बहुत सड़ी का फेंक ना इसे। हाँ वॉइड स्टैंडिंग इन द डार्क कह रहा था ये। ओ ये बड़ा खिला खिला माहौल है। चलो गाड़ी चलाओ। कर ले टच सेंसर वाले हैं कि। हेलो मैडम टेक आई एम फ्रॉम हरिद्वार। हेलो ब्रो आई एम फ्रॉम देहरादून हरिद्वार।
ये तो अपने आप फोटो खींचता है ना ना। हाँ बटन दबा खींचता ना। लाल हो रहा है इसका सिर। पिल खा ले ना ना। ठीक है रोशनी है तो पिल क्यों खानी। मिस्त्रियों का सामान रखा है सर गैराज में यही सब होता है सर। ओ नाइस 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 वी गॉट समथिंग ब्रो। मुझे लग रहा है यहाँ से भागेगा ये गाड़ी लेके। ये उधर की साइड आ गया बेसमेंट वाली साइड मुझे लगे। ओ लेटर मिल गया लेटर। जला लो लेटर। हाँ बस तो जला लूँ। यहाँ भी गैराज की लगेगी मुझे लगे। ये तो वहीं आ गया शुरुआत ही जहाँ से गेम की हुई थी। हाँ वही दूसरी जगह आ गया ना। इसी कमरे से तो निकला था ये। लाइट बल्ब कैन बी रिपेयर्ड द ब्रोकन वन। ओके और भी रखा है। बल्ब बल्ब उठा लो सारे उठा ले भर ले बहन चोद। बल्ब वाले यहाँ नवे नवे बल्ब लगा लो यहाँ। भैया इस घर को प्लॉट का साइज कितना होगा। ये 500 गज की कोठी लग रही है मुझे। यहाँ था ना कुछ क्या करते यहाँ पे आने के लिए। सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले स्टैंड। ये है कुछ जो बंद सा है पर इस कमरे पे अलग ही पॉजिटिविटी है। मैंने देख लिया है ना मैंने वो रखा ना भगवान के नाम पढ़ रखे हैं मंत्र मंत्र का जाप है जाप है। पोकेमान खेल लो कह रहा आज स्टोरी टाइम तो बनता है। When you picked up the camera, you see Lucy at the other end of the corridor. Keep the camera flashing and wait till Lucy disappears. वो तो कर लिया था हमने। वो तो हमने तो पहले ही कर लिया था। कुछ नया बताओ। मीटर की चाहिए हमारे। अरे बेनीवाल पारस भाई आपके 12th में कितने आए थे भाई। बहुत थे। 89% थे भाई। 89 थे इसके। ओह लूसी आ गई। लूसी Lucy Pussy, where is your Lucy? Oh, bad ki body, Lucy. Lucy, fucking pussy. Oh, oh! Darkness haunts you. घर ही बदल गए हैं। बेड बूट पड़े थे पहले तो यहाँ। हाँ आवाजें आ रही बहन चो लूसी की। लूसी नहीं लाइट जला दे उसके पीछे कौन है। अरे कुछ नहीं खींच के ले गया उसे। हाँ मुझे तो दिखाई नहीं बहुत सड़ी गए। इसका मतलब हमें इधर ही जाना है। अब लाइट जला दे। अब तो जल गई। पहले तो भाई लाइटर लूटर भी नहीं चल रहा था। अच्छा वो भी नहीं चल रहा था। तेरा कैमरा भी नहीं काम कर रहा था। कुछ नहीं चल रहा था ब्रो। वो नॉक नॉक करके वो हुआ है ना काम। हाँ वही जो चीज लिखी थी ना उसमें। हाँ। तेरा बाप आया। टूटू टूटू लूसी पिल्स यूज कर। पिल्स तो यूज कर नहीं जरा तेरे नीचे वही नहीं आ रहा अभी तो। अब कहाँ जाना हमारे को। आवाज आ रही भाई पूरी यहाँ से आ रही। और अब बैंड चल देरा क्यों हो गया इतना। ये हम इधर गए नहीं ब्रो। गए तो थे। लाइट जल रही। बल्फ कहाँ है भाई बल्फ। पंखा चल रहा है तो। सेविंग हो गया गेम। ओ भाई भूतिया हो गया। जल्दी खोल दे खोल के बाहर जा। घर भूतिया हो गया। लाल लाल से हो गए घर में। लाल बल्ब कहाँ से चल गए। साइकोलॉजिकल हॉरर हो गया है। हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। कैसे हो गए
कुछ तो होगा ना यहाँ पे। ओ ये क्या हुआ भाई, अब कट सीन आ गया बड़ा। आपके घर का प्लॉट साइज कितना है भाई? हमारा 175 गज में है, 175 ओनली। 175 ओनली, ओ बाहर आ गया। ओ ये क्या हुआ, बेसमेंट था अभी तो यार, साइकोलॉजी होगी। ये अंदर रख लेता हूँ, पॉजिटिविटी आ गई है। चल बाहर ओपन में थोड़ा फिर भी शांति से लगे है ना। हाँ घर तो बहन जैसा लगे, कोने कोने में पता नहीं क्या क्या जैसा हो। After looking at Lucy go downstairs, you notice that the अरे भाई सब हो गया बाहर, तो पहुंच गए नीचे। Outside the house आ गए भाई, disco आ गया, outside the house आ गए हैं दोस्तों, disco dance होगा। Greg Heffley है कोई बंदा, बहन जो अंग्रेज सा लग रहा है। कौन है जो हमें स्टोरी बता रहा है? Greg Heffley। Bro, you are an Indian or Foreigner, Greg Heffley. Greg Heffley, बता दो भाई। Because you're writing Sir Big so Fan. Nicely. Sir Big Fan, Rajasthan. ओ पढ़ा पांडा पढ़ा देख वहाँ। पांडे पांडे हो रहे भाई बहुत सारे। खिलौने खिलौने पड़े पूरे रास्ते में, वैसे ऐसे कैसे? वो लूसी है ना? दिन हो रही, रात हो रही, कैसा हो रहा है, क्या मौसम हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा, बहन तो फर्जी ग्राफिक्स सारे, बस इतना पता मुझे। वो सीढ़ी लग रही है वहीं जाएंगे, टेंशन नॉट। एडी गेमिंग वेलकम टू दी बैनम आर्मी। 345 गज आउटसाइड रूम से डिजाइन क्विट क्विल्ट फ्रेंड को लूसी ट्री हाउस में। ओके पहुंच गए भाई। कह रहा भाई इंडियन हूं। क्या कह रहा भाई इंडियन हूं। वेरी नाइस। तो फिर अंग्रेज क्यों बन रहा भाई, हिंदी में बोल। सही बात है, क्या हम भी अंग्रेज और अंग्रेजी पूरी मार रखी। हाँ हमारी गांड पाट रहे, तो मैं कह रहे हैं अंग्रेज आ रहे। आई एम लूसी, हेलो लूसी, आई वांट टू बी योर फ्रेंड। ओके लूसी को बचाना है हमारे को। लूसी इज मतलब किसी भूत के, भूत का साया लूसी पे चढ़ गया क्या? हाँ भूत के ऊपर भूत चढ़ गया मतलब। हाँ लूसी बेसिकली है, और उसके ऊपर मतलब लूसी के ऊपर भी एक नेगेटिव। ये फाउंड अ स्मॉल की देख ले सारे पेज के पीछे कुछ ना कुछ। हाँ वो तो मुझे पता ही था, इसमें ये बड़ा चक्कर है एग्जामिन करने का। वैसे अरे हम काम का प्रेशर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं मतलब कभी कभी इसे एग्जामिन के चक्कर में छूट जाए कोई ना कोई। वो डार्क ऑकल्ट पूरा एंड करा उसने, कैरी ने पता जो हमने छोड़ दिया था खेल के। यू नीड अ स्मॉल की, इसमें मिलेगी लूसी की जिंदगी की कथा। अच्छा वो इंजेक्शन तो था। अंधेरा क्यों क्या बाहर? इसने लूसी को कुदा दिया होगा यहाँ से, इसने लूसी को कुदा दिया होगा। गेट रिड ऑफ इट, रिड ऑफ इट बोल बोल के। लूसी की आवाज आनी शुरू होगी। बाहर जाना अच्छी है लूसी यार।
ये चूतिया करंट फिर घर में आ गया, उसी जगह जहाँ टीवी चल रहा था। ओ सारे बटन टूट गए भाई, अब तो घर में हो गया अंधेरा पूरा। ऑल बटन्स आर हियर, अब आएगा लूसी पूसी। अच्छा वो बटन टूट गए सारे। अवॉइड स्टैंडिंग इन द डार्क फॉर टू लॉन्ग, बट वेयर इज द लाइट? आई कांट सी एनी लाइट। डायनेमिक आइटम्स आर एसेंशियल रिस्पॉन, लोकेटेड इन द बेसमेंट एंड लेफ्ट बिहाइंड। इसके अंदर है देखो, कह रहा है वो हथौड़ा पड़ा इसके अंदर, वो अलमारी है जो सामने है। वो कह रहा है कि बेसमेंट में वो आइटम आ जाएगी जो तुमने छोड़ दी होंगी। अच्छा डायनामिक आइटम्स जो बाद में हमें जरूरत पड़ सकती है। डायनामिक इन्वेंटरी फुल बता रहा है तो ये ऊपर डायनामिक इन्वेंटरी है ना। लिप ग्लास फेंक दिया, स्टूल ले लोगे इसमें से? You cannot store this item. बहुत सही है, मेरा ग्लास भी गिरवा दिया। दारू पी लेता हूँ। ग्लास का क्या करता तू? शराबे पीते भैया। भैया शादी के बाद लाइफ क्या चेंज आया? बताओ भाई क्या चेंज आया लाइफ का? शादी पूरा मजा आ गया भाई। पूरा सब करके देखो शादी। भाई स्विच तोड़ दिया भाई सारे के सारे। अब हमें जाना कहाँ है ब्रो? अंग्रेज आदमी कहाँ गया तू? लूसी पूसी आने वाली है मुझे लग रहा। बिरादर सिर 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 दबाव खराब हो गया इसका। जल्दी पिल खा ले बहन। तो वो कह रहा ज्यादा देर खड़े मत हो, चलते तो रह सकते हो। पिल खा लेगा तू। अरे देख स्विच को फॉलो करना है। अच्छा आगे लूसी, 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 आगे पीछे। मेरा पीछे है लूसी, मेरा पीछे। ऊपर 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 चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चली गई। फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई। वो गई बहनचोद। बोल दरवाजा खुल ही नहीं रहा। ए लूसी तेरी पैंड की। ये तो कुछ इंटरेक्ट करने का ही नहीं आ रहा इस पे। भैया बलफ लगा दे क्या? बलफ बलफ सारे दरवाजे भाई सारे तोड़ दिए मैंने बिल्कुल बटन तो। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। लूसी पहनी था दवाई, दवाई खा है। दवाई छोड़, इस गेम में पॉज भी नहीं कर सकते। क्रैक इज बैक भाई। वो पिक्चर सेलेक्ट करो ट्री हाउस में जिस पर एक आई वांट टू बी योर फ्रेंड लूसी लिखा है, उसके पीछे की है। अरे वो तो निकाल लिया यार, वो बहुत पीछे की बात बता रहा तू तो। वहां से तो आ गए हम। आगे भाई स्ट्रीम ज्यादा लेट चल रही क्या? भाई वहां स्विच तक आया और वहां अंदर कोई भागता हुआ दिखा, पर वो गेट खुला ही नहीं। भाई स्टोरी आज नहीं सुनाएंगे यार। मैंने ना, रुक जाए एक सेकंड, इसको पॉज कैसे करें? हाँ ठीक, सुपर चैट्स चेक कर लेते जरा। स्वर्ण अभो, बिग फैन हूँ आपका। अरे भाई थैंक यू सो मच फॉर 1000 मेरे भाई, इतने बड़ी बड़ी सुपर चैट कर देते हो तो मैं एकदम बोलो। पैन दिशी की तो पढ़ लिया था। ओके ओके स्वर्ण भाव एंड एडी गेमिंग, वेलकम टू एडी गेमिंग, वेलकम टू दी वैनम आर्मी मेरे भाइयों। ये तूने क्या करा बड़ा छोटा? वो चैट पढ़ने के लिए नीचे कल कभी ना नीचे चली जाती है वो। ये वाली आ गई, अब तो आ गई। भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। हेलो भाई क्या हाल चाल? बहुत सही। दूसरे ड्रोर से ट्राई करो जाना। ओके लेट्स गो, अब तेरा भाई फटाफट जाएगा। एक तो सवरे गेट ही उल्टी तरफ खुल रहे चूतिए। आ गई आ गई लूसी भोसड़ी की। आ गई आ गई आ गई आ गई लूसी आ गई। दवाई खा दवाई। क्या
क्या खाऊं? दवाई दवाई तो खाने से फायदा नहीं ना, वो जब आती है तो फिर आई जाती है। नहीं दवाई खाने आपका तो... फर्स्ट किस, मेरा पैसा आ गया, फर्स्ट किस, ऐसा सवाल नहीं पूछते गलत। दवाई यही था नीचे जाना, दूसरे दरवाजे में जाना ना, इस वाले चलेंगे। दवाई खा ले, लाल हो रहा सिर। बोल दरवाजा। बाहर ही घूम रही हो, दवाई बेफालतू वेस्ट करवाई तूने। लूसी तेरी भैन दी पुसी, लूसी डोंट कम टू मी, लूसी इधर से आना है, लूसी इधर से आना है। सो वी आर बैक इन दिस रूम। खा दवाई, दवाई खा ले दवाई। ऑल द फकिंग स्विचेस ब्रो, दवाई खा ना। पेन किलर चल रहे हैं कुछ। इसी कमरे में आना था ना हमारे को, पांडा की चूत था। ये रहा पेपर सारा एंड डेड। आवाज तेरे आसपास से कौन सा है? रुक जा समझ, फिर तेरा सिर लाल हो गया। हाँ जाए, रुक जा जाएगा ना, इंटरेक्ट करना पैदा पुत्र, एंज ना करियो। मतलब किस करी है? नहीं करी भाई, छोड़ रहे दो। हम बहन चोद किस कर रहे होते हैं तो यूट्यूब चैनल थोड़ी खोल के बैठे होते हैं। आपके कितने बच्चे हैं बता भाई? ओ बैंस की अभी भाई कोई नहीं हुआ। क्रैक कह रहा है ट्री हाउस में रेडियो वाली। ओ बैंस चू, ये क्या है भाई? तंधेरा ये ले, एक हाथ में रखा। हाँ ये भी बैंस खत्म करवा दी तो सारी। कहाँ जा रहा हूँ मैं? कुछ खत्म क्यों नहीं हो रहा है कमरा का? क्या हुआ? इतने अंधेरे में कहाँ चल रहा है तू? ये क्या है? ये है उधर। ओ लूसी घूम रही। ये लाइटर इज नियरली एम्प्टी, माँ की चूत। तो इसके पास जा तो देख क्या कहेंगे। आ गई। यार ये तो 14 ही इस कमरे में जाना है यार मेरे को। 10,000 भी करो, 1,000 कुछ बचा भाई। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज डोंट स्पैम लूसी को सुसुआ लूसी को सुसुआ रही है, सुसुआ रही है लूसी को, लूसीफर। भैया एक काम करो, पोकेमोन खेल लो। पोकेमोन कैसा गेम खेल के? मैं तो सोच रहा था इसके बाद एवेंजर चला लूं थोड़ी देर। ये ज्यादा वो नहीं है ड्रामा गेम ना, ठीक है। तेरी हालत देखी मैंने बैंड के लौड़े कर रहा है बैठ के, बिना डरे बैठ, तब मानो तुझे भाई डर नहीं लग रहा। ग्लास फेंक के मारना है इसमें से।
यही घूम रही है वो। दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है बस तुझे। हाँ रास्ता ढूंढते, अभी इतने लाइटर मिल गए यहाँ पे। हाँ। तीन लाइटर मिल गए ना हमारे को। एवेंजर्स ही खेलो, मस्त ही थी वो। हाँ अभी एवेंजर्स खेलता उसके बाद भी। दिखा भी लाइट दिखी सर वहाँ बीच में गन गुन पड़ा ना समय किस तरह रास्ते निकाल के आता था। ये तो उलझ भी सकता है यहाँ पर कहीं जाकर, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब वापस जाना पड़ेगा, उस टाइम पे मिल गया था ये रास्ता वापस जाना। ना ना वो तो वही था शायद, हम वापसी मुड़ गए थे उसी रास्ते पे। नहीं नहीं यहाँ से आए थे ना, अब इधर चलते हैं। यहाँ से कहाँ है? इधर से वही इसी तरह जैसे तो आए। ये है वो रास्ता। हाँ वो है देख सामने ना, इधर की साइड से। दोनों सेम ही है भाई, इधर से ही समझना है हमारे को। ए इधर सर मास्टर को कंट्रोलर दे दो, मास्टर को तो लोड़ा समझ नहीं आने कुछ। इतना मुश्किल से कंट्रोलर है क्या? उधर की साइड निकलना ना, दूसरी लाइट की साइड। ये है रास्ता, ये रहा। मैं तो वहीं पहुंच गया फिर लाल दरवाजे पे। क्या था वो? कुछ था बैंचो, देख मेरी साले जैकेट पकड़ रहा कुत्ता आराम ज्यादा बैंचोद मजा आया। ये भी यहीं ढूंढनी पड़ेगी रास्तों में। ढूंढ लेंगे अभी। वो ऐसा गोल गोल घूम रही है एकदम ही आगे सामने। राम जादे एक तो कंट्रोलर पता है कितनी तेज़ वाइब्रेट हो रहा है, जब भूत आ रहा पास में साला पूरी रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा है। लाइटें जला सकते हैं हम ब्रदर। कौन सी मिली? केजी रूम की। तो जल्दी फटाफट वहां एक बार रुकना बहन चोद। आ गई दवाई खाना लूसी नहीं। अरे चली जा सभी। माइनक्राफ्ट देख भाई मुझे पसंद नहीं है ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है।
स्मार्ट ही जी असुसा कंट्रोल सेंटर या एसर ज्यादा अच्छा है, सेम सेम से होते हैं सारे। ओके सो किराया तो नहीं है ना, एक सेकंड रुक बहन, तो पहले अपने ये खोपड़ी का वो सही करूँ। इसी यहीं पे लाइट है, यहीं पे लाइट है और अंदर की ना हम लाइटें जलाते हुए जाएंगे सारी। शिवम भैया का गोडाउन टेस्ट खेलो ना यार, जब वाइब्रेट हो तब पारस हो। कार्तिक अरे यार इसकी कल वीडियो भी डालनी है। कहाँ है लाइटें, तो कोने कोने में रखी हुई है। फुल किस पर निकली थी चाबी, वो तो बहुत बार निकली थी। अच्छी गाय चाबी मिल गई थी मैं जो बुनफटी में। नहीं ऐसी टेबल सी में मिल गई जिसमें दो तीन दराजे थे ना। केजीज रूम की ये गाय उल्टी उड़ रही है भाई, चल ये उड़ क्यों रही है, अच्छी गाय चलती हुई ठीक तो नहीं मम्मी। अरे की तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ लाइट जलाए खड़ा हूँ। पिल भी ले ले हाथ में, पिल भी हाथ में ले ले, पिल तो खत्म होगी नहीं है की पक्का वही है ना जो हमारे पास है। ना ना ये तो स्टोर की है कि वो उसके उसके के तो वो लुल्ला सा बना हुआ था। मुझे लग रहा है जगह चेंज होगी होगी ये। हाँ मुझे लग कहीं भी पहुंच जाए। आगे 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 देखिए 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 देख जब आते हैं तो क्या होता है। ये देख पकड़ गए दोनों, पकड़ दोनों हाथ से। अच्छा जी हाँ वो लाइट की बताओगी चोटे लौड़े। पारस का चश्मा उतार के दिखाओ भाई, दिखाई जाए महंगे एक बार दिखा, दो दो बिना चश्मे खेल लेगा भूत भी दिख देगा, डर भी खत्म, भूत भी खत्म। बिन बिन टेबल पर चढ़ जाओ। वो लाइट बंद हो रही है अपने आप। लूसी बहुत बहनचोद है। यार पहले तो यही सी मिली थी बिल्कुल लैंप के बगल वाले में से ही। नहीं इसमें से मिली थी मुझे तो लगे तीन दराजों वाला मेरे। अच्छा अरे वहीं मिली थी भाई लैंप के बगल वाले, मेरे को 100% याद है अभी तो थोड़ी देर पहले ली। पहले जा वहां पे देख के आ केजी जरूर। आराम जाती से चले पहले तभी तो। नहीं वो इधर से जाना, अब जा अब वो इधर आ गई होगी। वाइब्रेट हो गया पूरी 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 चली गई। यहाँ भी है क्या लैंप लूंप कोई? जब वो कहेगा कि इस रूम की ढूंढो तो क्या तब आती है। हाँ ये हो सकता है। ग्रेट यू गॉट अ पॉइंट। अब तो अंधेरे का ही रास्ता याद हो गया बहन चोद। यहाँ पे जगह लैंप
खुल जा बहुत सड़ी गए यार, पहले तो इसी में ही थी यार, अब बैग पे पूरा कमरा ढूंढ के आऊंगा। पहले तो जल्दी मैं वही सोचा था जल्दी कैसे मिलगी मुझे जिंदगी में। लाइट जला है छोटा सा, वहां से यहीं तक तो आए हम, इसके बीच में दरवाजे हैं ना बहुत सारे, उसमें देखना। लाइट बंद कर दी तूने? नहीं नहीं ऑन है भाई, वो नहीं देखो घूम रही है चाची तेरी, इधर चलते हैं। वैसे हम लाइटें जला सकते हैं रास्ते में, और होंगी लाइटें। रुक जा पहले उसे आके जान दे, पहले वो आके जब जाएगी ना तब टाइम मिलेगा हमारे को ज्यादा खोलने का। अरे ग्रेग की सुन लो भाई, लूसी के कमरे में जाओ फर्स्ट फ्लोर, उस वाले पे पेंटिंग मिलेगी जिससे फाड़ना है वो केज। अरे वो तो वहां से तो बहुत आगे भाई, वही तो उसी के आगे तो है भाई हम, केज वाले रूम आ गई, आ गई मेरे आसपास ही है। केज वाले रूम में घूम रहे, लाइट बंद कर देगी फिर आ जाएगी वो एकदम। शिवम भाई आप उठाओ चश्मा उतार के दिखाओ, एक सेकंड अभी दिखा रहा भाई, मेरी कान ना फड़ो। ओ बेंचो केजी के लाइट है तो है यहां, कम से कम सेविंग हो गया भाई, सेविंग सेविंग सेविंग, 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 सेविंग यस। ग्रेग भाई गलत हो गया, तुम तो मिल गए केज की। अरे वो केज की वो थोड़ी पीछे से समझ रहा है, वो शायद स्क्रीन छोड़ के चला गया होगा बीच में। भागो हंड मंड का टोला जो ना नाचा पैर गलोड़ा नाचो, अरे खुद ही बता रहा नाचो खलो, फिर जान हो गया। अब यहां कुछ साइकोलॉजी होगी, चिड़िया गायब होगी बहन चो, चश्मा उतारा चिड़िया, चिड़िया गायब होगी, चिड़िया बाहर आ गई। बस ये तेरी चीज कैसे पड़ी है, उधर की तरह मुंह कर रखा है इसने, नहीं मुंह आगे की तरह, वैसे मुड़ के पड़ी आगे से, ओ छाती खोल के तेरा इल्यूजन बहुत रे, चश्मा मत उतारियो जिंदगी में। बता जा गया ओ फक, ये देखो जिसने लूसी को कैप्चर कर रखा, ये घर तो हब है ना भाई, इधर सामने भागता हूँ, इधर उधर नहीं देखता, लाइटर तो चला। इसने पकड़ रखा लूसी को, कौन सी की है भाई लूसी, तुझे बचा लिया हमने बेटा, लूसी को छोड़ नहीं रही वो, ग्रेव ढूंढो लूसी की, कह रहा वो लाइट चलेगी, नहीं नहीं सैनिटी अभी भी टिक रही थी, फास्ट हो रही, मैंने ठीक हो रही है वो देख, हुक्की हो गई भाई गेम की। बिग फैन प्रो, अच्छा बिग फैन प्रो में जा, गेम की साउंड थोड़ी सी कम, गेम की साउंड कम करें, कोई नहीं कोई नहीं, गांड पंडित थोड़ी सी बात तेजी रहने दो। अच्छा हो सकता है हमारे हेडफोन में ज़्यादा आ रही हो, हाँ यार आवाज़ बहुत ही तेज कर रखी, सॉरी 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 भाई तुमने बताया नहीं पहले, अब ठीक है।
ब्रावो 15 या GF63 थिन प्लीज बता दो। ब्रावो आने वाला है मेरे पास भाई एक दो दिन में, बट राइजन 7 वाला भेज रहे हैं वो, मैंने राइजन 5 मांगा था। नीचे चल भाई, लाइट नीचे चल रही है। जाना कहाँ है, लाइट जल रही है बाहर। तो पेट में दे दिए इसके चूरे, ये तो चुपचाप आई ना, तो चूर ना पाम है जो हो चुका यही है वो। अच्छा, योर अनडूइंग इज इनएविटेबल, मैं जो कुछ ना करना भी इनएविटेबल है। मत करो गेम की कॉम ऑडियो। अच्छा हाँ ठीक है, एडिटर साहब को भी तो चाहिए मामला। लेता तुम्हारे बीच से मैं कर दी थोड़ी सी, बस 2-4 dB कम करिए, ज्यादा नहीं। ये कहां से आ गए हैं जो संटे से दे दिए, ने संखे से दे दिए तेरे पेट में। यू आया कुछ पहले तो यू खड़े हो गए, कर दी दरवाजे बंद। वेलो की लाइव स्ट्रीम, यार वेलो मुझे पसंद नहीं आता। MSI कटाना का रिव्यू करेंगे जो अब अपकमिंग वाला होगा, पुराने वाला करके फायदा नहीं यार। नीचे तो जाना नहीं इसका मतलब, ऊपर सामने वाले कमरे में जाओ, उसमें लाइट से आ गई। लूसी के कमरे में जाओ सीधा, यही तो है लूसी का कमरा, रूम के उधर से आएगा लूसी में। ये नहीं है, सारे एक जैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ ये भी नहीं था, नहीं लूसी का कमरा है, उसमें से घूम के उसमें लूसी में जाता था शायद, नीचे से ही जाता था शायद। ना 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 ऊपर ही था। यही तो है लूसी का कमरा, नहीं नहीं यार वो भोसड़ी की फेर आ जाएगी, और इस बार तो कह रही कि बैंड के लौटे। लूसी तो हल्की थी, मैं बताऊंगी तुझे। ये तो एकदम ही आ जा रही यार। वर्ल्ड शाइनिंग इन द डार्क फॉर टू नो, मैं तो पूरे कमरे में लाइट ही नहीं है। जोनी सिंह ने मोद दिया, मैंने क्वीन जॉब मिलेगा, बाथरूम में जाओ कह रहा। तो बाथरूम में तो थे हम जब पहले शब्द शुरू शुरू में। हाँ वही बाथरूम में ही कुछ है फिर, क्योंकि और सब जगह जाके तो हम मर रहे हैं, बाथरूम से ही बच रहे हैं। इसके लॉजिक देख करो पारस के, पूरा खुश हो जाए वैसे चूते बात करके। तो और सब जगह तो मरी लूसी के टॉयज वाला रूम। हाँ ये मिला ना, ये कह रहा है मैंने क्वीन जॉ लिया, फेंक दिया तुमने। नहीं नहीं उठा लिया, क्या करना मैंने क्वीन जॉ का, कहीं लगाएगा फिर ये। पारस भाई के 3 हाथ ना ना, दोनों टोपी जेब में लिए बैठा। सामने माइक रखा है 2 मुझे लग रहा है मैंने क्वीन जॉ से ना वो भूत आएगा नहीं शायद। वगैरह लूसी के टॉयज वाले रूम में जाओ। लूसी का कमरा ऊपर नहीं था क्या, मुझे क्या पता। किचन आ गई, वो बैंच गोल मटोल्लू सी शक्ल की आ जा फटाफट। हाँ बैंच गंदी सी अजीब सी। लूसी का कमरा ऊपर ही था, वहीं जाना लूसी का कमरा। बेसमेंट में था ना ना, ऊपर ही था भाई, वहीं ऊपर दो कमरे मिक्स नहीं थे। हाँ वो पीछे जो इसमें वार्डरोब से निकल के पीछे मिक्स हो रहे थे, ऊपर ही ऊपर था वो। ओ बैच आने वाली है वो, लाल हो गया तेरा। हाँ आने वाली है वो, ले भाई तू खेल थोड़ा सा। ट्रॉफी खा ले, ट्रॉफी खा ले बैच। मेरे को वो बटन तो नहीं पता। बोनर में सुसु कैसे करते हैं, बोनर में सुसु थोड़ी होता भाई बायोलॉजिकली। चलेगा कैसे अभी जब आएगी ना, पहले तो थोड़ी सी वाइब्रेशन फील कर। हाँ बस चलता रहे, इधर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। कहाँ था कमरा उसका,
बस थोड़ा सा एक बार जब कंट्रोलर तेरे हाथ में रहेगा ना एक बार तू फील ले आरटी नीचे वाला और पीछे की तरफ मोड़ दे से ना ना इस वाले दूसरे वाले हटा लो आगे की तरफ मोड़ आरटी होल्ड करके रख हाँ अब आगे कर दे से इस वाले को अरे इसको करना है नट चूती है इसमें तो कुछ कहने करना ये तो लूसी कमरे में करना क्या है क्या ये टॉफी हवा में क्यों उड़ रही है अरे वो हमारे हाथ में ही है वो टॉयज रूम कह रहे हैं टॉयज रूम में जाओ ये टॉयज रूम तो यही है बड़े पांडे को उठा के बैग से वहाँ पे आ रहा है हिंट वॉइस स्टैंडिंग इन द डार्क मैं जो हिंट ऐसा तो ना कि हाँ गेम में आके क्या करें बता भाई ग्रेग बेसमेंट में स्टैचू है उस पर जॉ लगाना है बेसमेंट में जाओ स्टैचू है उस पर जॉ लगाना फटाफट भाग जाओ बेसमेंट में बिना देखे कुछ ना आओ देखो ना ताओ फटाफट जाओ बेसमेंट में वॉइड स्टैंडिंग है मूव होते रहो कोई दिक्कत नहीं है आ गई आ गई आ गई ये यही कहीं मैंने क्विन लगाना है इसमें जा जो लगाना है आ गई वो आ गई भाई मेरा वाइब्रेट कर रहा कंट्रोलर बहुत गांड फाड़ इसमें लगाना है कि जो ये तो एकदम मजा आ गया कुछ को कर दे कहा के क्या बताया उसने You got my point, bro. स्टैचू है उस पर जो लगाना है स्टैचू पे लगाना है जो कह रहा कहाँ है स्टैचू बेसमेंट में ही जहाँ हम खड़े थे अभी वहीं कहीं है शायद मुझे लग रहा है बेसमेंट में जाओ बेसमेंट तो बेसमेंट यही तो है पूछे थे अभी नीचे जाके इधर से तो बेसमेंट आता है लेकिन नीचे वो आ भी रहे शायद ये देखा ये रास्ता बता भी रहे ये तुम पहले ओ लगा जल्दी कहाँ लगाना है इसे लाइटर वो लगा ले भैंसोद टॉफी खा ले भैंचो कैसे कैसे आवाज जा रही है बंद कर दे दरवाजा भैंचो अरे बताओ यार क्या करना है भैंचोद यहीं पे हम सही जगह पे ही तो आए हैं अब यहीं पे हमें कुछ लगाना है अच्छा ये स्टूल चढ़ के यहाँ से यहाँ चढ़ने क्या इज प्रोबेबली नॉट अ गुड टाइम टू एक्सप्लोर वो लेटर दो भैंचो ट्रॉफी ले ले टॉफी ले ले सिर तो तेरा भी लाल यार इसमें क्या आवाज आ रही है बहन चो फुल्ले तल रहे फुल्ले तल रहे हैं यहीं तक आ रहा है ओ बेंचो यहीं पे देख इधर 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 कहाँ देख इधर कहाँ कहाँ लगा रहा वो बेंचो क्या करना यही आना तो यही है जहाँ तू आया है अभी यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये हाँ तो यहीं आके तो वो जॉ लगाना है ना तब उसके बाद कुछ ठीक होगा ऐसा मुझे लगता है ये लगा ले अबे तो तेरा हाथ बैठ गया ना कंट्रोलर पे बहुत सड़ी
भाई कभी वैलो लाइव भाई वैलो यार ज्यादा देर खेल नहीं पाता मैं, कभी कभी खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे ने उठाया ये वैसे ही बाहर देखा तू लाइटर जला के रास्ता तुझे नीचे ऐसे ही दिखेगा लाइट जला ये दे। अरे तो वो हो गया ना। नहीं नहीं ये देख। अरे यार वो यहाँ तक नहीं आया था रास्ता, वो जो अद्धा रास्ता वो उल्टा उसे एज इट इज ही दिखा रहा। तो एज इट इज तो अब उल्टा वहीं जाना होगा ना, जाना ही बेसमेंट में है जब वो कह रहा। नहीं वो कह रहा ना हमें तो नहीं लगा। वैसे भी यही है यहीं जाना है बिल्कुल वहीं पहुंचना है रास्ता, ये दिखाई वहीं रहा है। ये देख यहीं पे ही कोई स्टैचू होगा जिसपे लगाना है। अंदर घुस जाए एक बार दरवाजे में कहीं फिर आ जाओ। दरवाजे नहीं है तो बहन चो इसके अंदर दवाई खा ले। बता भाई कहाँ गया? देख चैट पढ़ना। एक तो सारे बहन चोदों ने स्विच तोड़ दिए। वो कह रहा स्टैचू ढूंढो, वो कह रहा है स्टैचू ढूंढे कहाँ से? स्टैचू इतना बड़ा घर है कोई कुछ तो थोड़ा बहुत तो आइडिया भी तो हो। बेसमेंट में ही कह रहे हैं और वो ये बेसमेंट यही है और हम जहाँ पे हैं अभी। बाहर निकलते तो वो भोसड़ी का चिपलुंडा सा आ जावे। चिपलुंडन ना तो हुआ है। हम स्टैचू यहाँ नहीं है ब्रो, ये हम रास्ता ही गलत चूज कर रहे हैं। हैरी पॉटर की झाड़ू आने वाली आने वाली आने वाली। खा दवाई। आ गई आ गई आ गई आ गई। दवाई खा ले। वाह जलेबी। दवाई दवाई खा तो ली बहन चोद, टट्टी बंद हो जाऊंगा। कैसे टाइम में उधर टट्टी भी घुसता है। हाँ सेफ है ना, छोटी सी है क्योंकि कुछ आ नहीं सकता है तो उधर से। और यहाँ पे भी कोई आ जाए तो बंदे की गांठ फटने से कोई रोक सकता। कहीं हिलने की जगह भी नहीं है बहन जी। रात को आपको सोना है नहीं? अरे सो जाएंगे यार। अब देख सामने ये जगह लग रही है मुझे, ये देख ये वाली वो देख वो जगह लग रही है मुझे। मैंने कोई तो वो ये तनेक स्टैचू ही तो होता है, स्टैचू तो वहीं है और वहाँ लाइट भी जल रही है तो हम सेफ भी रहेंगे वहाँ। ओ आर्ट इंटरेक्ट। अच्छा जी ये करना था क्या? इसके अंदर दवाई खा ले। नहीं करना तो कुछ है यहाँ इसके अंदर से आ रही है। हाँ आवाज इसके अंदर से आ रही है। हाँ वो तो लग गया उसके ऊपर। अब क्या करना भाई? दवाई खा। दवाई खा ही नहीं रहा। बोतल इज एम्प्टी। दवाई है इसमें नहीं। खाली 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 एक साल लगा खाने में लेकिन खाली। अब करना क्या है? मैंने को इन तो लगा दिया हमने यहाँ। लाइट लुइट जला दो। क्या करना है भाई बता? ग्रेग आ गई, बाण की लोड़ी आ गई। ले ले खेल खेल चल बेटा जल्दी खेलो जल्दी खेलो खेलो खेलो। ओ भोसड़ी के क्या कर रहा है ये? आ!
भाई अभी तो बहुत तगड़ी है भाई। एक काम करते हैं, ये अब बाद में खेलेंगे, ये अभी नहीं खेल रहे इसको। नहीं रुक जा, थोड़ा सा एवेंजर खेल लेते हैं, थोड़ा मूड हल्का कर ले। राजू इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, तार जोड़ के सही कर देगा। भाई रैम दो यार। नेक्स्ट फेस का, फेस का पीस ढूंढो। पीस ही ढूंढना है, वो ये पूरा उसका पूरा मुंह बनाना पड़ेगा, पूरा मुंह बनाना पड़ेगा। खेले क्या सही? नहीं यार, टेस्ट नहीं किया मुझे, फोबोस अच्छा लगता है बस, वो ले सकते हो तुम जो मैंने टेस्ट किया हुआ है। ऑपरेशंस, तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं अलग अलग टाइम पे हमारा। स्टोरी है, स्टोरी है, स्टोरी है, यही खेल रहा हूँ ना मैं। 18% रीअसेंबल है, ये खेल रहा हूँ पहले वाली, मतलब जो मतलब मेन स्टोरी है वही चल रही है अभी तो। और बाकी सब क्या था? वो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से हमारे को अभी इसमें उसको ढूंढने जाना है, टोनी स्टार्क को, जो मैं मिल नहीं रहा। तो फॉर्मर सिविल शील्ड रैली से शील्ड फोर्स इज यूज टू, एक सेकंड सेम ही आएगा ना उसमें भी। हाँ यही आना, सेम ही, हाँ यही जाना हमारे को। मिशन स्टार्ट भैया, एक बार माइनक्राफ्ट खेलो, शेडर्स लगा के फुल सेक्स गेम, मैकेनिक्स फुल सेक्स। यार माइनक्राफ्ट मेरे से खेल लग जाता है। माइनक्राफ्ट कैसा है गेम? अभी दिखाता हूँ ऑनलाइन। दो ही है मेरे पास हीरो, हल्क ले ले। हल्क ले लो, हल्क जो होता चूते से लड़े इसमें। अच्छा क्या लगता तगड़ा रहा। अच्छा तो ऑनलाइन खेलने के लिए यहाँ पे हल्क बिठा देना। अब ये इसने आगे से इसने We've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least I sure hope. कैप्टन अमेरिका मर गया था उसमें ना, जो ब्लास्ट हुआ था। तो I'm giving you access to shield security. उसको ढूंढ रहे हैं अभी, एक न्यूरल अपलिंक है उसके थ्रू ही आगे कुछ पता लगेगा। I'm getting some interference. Something down there is blocking the tracker. See if you can find out what. On it. Omega कर दो आज फुल हाइलाइट्स। अरे नहीं यार, Omega में कुछ भी आ जाता है यार वो। इसके बड़े-बड़े हाथ। हाँ ये उनमें से एक ही है जिनको अफेक्ट कर गया था ना वो, जो कुछ-कुछ बन गए थे। ये तगड़ी फैन है। Spider-Man है, लंबा हाथ वाला। Radio's down. Guess it's just us from here. Why not? That's on. Not to worry. I will guide you to their signal jammers. अब ये देखो, उससे जार्विस से बात कर रही है। It's an AIM dropship. Smash AIM. That obstruction should be around here somewhere. Keep an eye out. I heard that. मस्त ना गेम मैच। बड़ा वार पीस, हाँ लेकिन इससे जम मारेगा, इसको टैप करके तेज भागेगा ये ऐसे, इससे जम मारेगा, जम मारेगा और दोबारा उससे होल्ड करेगा, उसे टैप कर दे भगाने वाले कोई। और वो कैसे मारता था हाथ से? वो ए जब जहाँ पे ए आएगा वहीं तभी मारेगा ना, एजिस पे। If you're done observing the scenery. Great, sorry, eyes on the prize. I wonder what's inside that AIM building. If you're curious, there should be an external locking mechanism you can use to open the doors. Right, like a switch or something. अरे रुक 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 रुक। ये दबाना ऊपर वाला बटन, ये देख, इससे पता लगेगा जाना कहाँ है हमारे को। Look out! Got some bad guys. Bad guys कहीं पे? इधर 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 भाई, क्या कर रहा है यार? वहाँ जाना है हमारे को, वहाँ 234 ए मीटर पे। विच गेम भाई? हम एवेंजर्स खेल लें अब, क्योंकि वो गेम खेल के भाई हमारे को बहुत नेगेटिविटी फील आ रही है, हम कुछ पॉजिटिव गेम्स खेल रहे हैं।
चल चल ओ देख 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 बी से डॉज करेगा मारना कैसे उसे हाँ उससे ऊपर एक्स से तो मारेगा एक्स से मारना वो तो मार दिया उन्होंने निपटा दिया चल हल्क ने बता दिया चलता रहा आ गया इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि मैं तो रास्ता भी नहीं आगे करना है ना ना बहुत इजी होते हैं वाले स्टोरी बेस्ड गेम है ना स्किप मत करियो मिस खान द शील्ड सपेट द पैच तो एक्स एक्स से मार एक्स सिक्योरिटी नोड आई नीड यू टू गेट मी क्लोज टू द नोड सो आई कैन डिसेबल द डिस्ट्रक्शन एलबी दबा एलबी मतलब ऊपर का अभी अभी मत दबाइए अभी मत दबाइए अभी मत दबाइए मार इसे नॉर्मल ही मार जब कोई तगड़े अभी तो बहुत सारे बंदे हैं चल ये जा बीच में यहाँ 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 अरे हनी वहाँ बीच में जा भैया स्टोरी सुना दो अभी स्टोरी यार सरसाओ वाले है क्या हाँ सरसावी की भाई साहब दे 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 इस पे करना है इस पे क्या चीज़ है इस पे क्या दिखा रहा है यहाँ पे हाँ अच्छा वो कंप्लीट हो रहा है ना परसेंटेज उसमें खड़ा रहे वो कम हो रहा है फिर नहीं नहीं कम तो नहीं हो रहा अरे उन्हें मारना है मुझे लपेट दे लपेट एक्स 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 दबा टैप टैप कर एक्स एक्स को जल्दी मुझे दिखा है मुझे वो बहन चौथ पता नहीं कैसे खेल रहा अब मैं पहली बार तो खेल रहा ये क्या मारा तुमने अरे यार वो लगा ही नहीं मैं जो मारा भी फिर अच्छा यहाँ खड़े रहना ऐसे बढ़ने देना वो नीचे वाला 57% हो गया 57 से ऊपर नहीं बढ़ने देना उसको बस हो गया 54% हो गया रहना इसके ऊपर ही है हमारे को व्हाट अ पैच बड़ी हो गई है देख हल्क से भी बड़ी हो गई ओह मैच क्या देखो 58 हो गया taking control of the security node just a bit longer just a bit longer acha apna 100% karna hai ha avengers wala 100% hona na aim ka nahi badhne dena maar hulk bench maar inko enemies must be defeated chalo ho gaya teri to saal hai bataunga tujhe abao abao aise kya kon aa raha ye kya ye chapat sa kya bajaya oh uchhal diye मुझे यही तो नहीं समझ में आ रही है मार हल्क मर गया हमारी एनर्जी कौन सी हमारी एनर्जी पता ही नहीं कौन सी है ओ एक और बंदा निपट गया क्या
लैपटॉप वाली सुना दो। Loud and clear. The tracker will lead you to the shield. से हीरो को खेल लो। खेलते खेलते। Can't reach Commander Hill, huh? I'm gonna try not to let that freak me out. Let's get out of the cold, Hulk. Wait. Do you get cold? Data remains inconclusive. अभी सुनाएंगे लैपटॉप वाली स्टोरी अगर मन करेगा तो। अभी वैसे बैठ नहीं रहा क्योंकि सुनानी मैंने ही है। कहाँ जाना है? वो पे इतनी बड़ी स्टोरी भी नहीं है। इतनी बड़ी भी नहीं है वो कुछ। अच्छा इधर जा। ए इधर जाना है हमारे को। अब कम हो रहा ना मीटर। तगड़ी है वह जो भी ये वैसे ओरिजिनल एवेंजर में तो कोई नहीं। अरे नहीं गेम गेम का पार्ट कर रखा है। गेम का पार्ट कर रखा ना इसमें दिखाया है कि ऐसे कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ ये फिर बढ़ रहा है। इधर 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 जाना यहाँ जाना। हाँ अब ठीक है। सोलह चौदह बारह दस नौ आठ सात छः छः मीटर से कम पाँच चार ये रहा। Nice work. Let's hope that neural uplink is inside. I'll get you back to yourself in no time, Jarvis. I appreciate the sentiment. It is rather unpleasant existing without instantaneous access to all the information. ये लड़की ना उनके इवेंट पे गई थी। तूने गेम में देखा होगा जब शुरू में दिखाया था तेरे को। तो वहाँ पे जब ये लास्ट लास्ट हो गया था तो ये भी इफेक्ट हो गई थी वहाँ पे। पर ये थी तगड़ी फैन। हेडफोन क्यों ताजी तुमने? नहीं ठीक है वो तो मैं समझा दूँगा। Does it feel like? एक हल्का सा सीन। Is it like losing your memory? I'm not sure what the human equivalent would be. I suppose it's like being knocked out of the mind. Oh, like when Ami shuts off the Wi-Fi. Quite. भाई गेम खेलते खेलते सूसु लगे तो पहले सूसु करते हो गेम कंप्लीट करते हो। पहले डिपेंड करता है कि कैसा मोमेंट चल रहा। Wow, check out all this stuff. ज़्यादा हॉरर गेम हो तो सुसु छोड़ देते हैं। हाँ ज़्यादा ये इंटेंस होता तो सुसु तो हमने बहुत स्किप मारी बहन चो। उस चक्कर में पथरी करा ली थी। ग्राफिक्स तोड़े हैं भाई गेम के कुछ भी वो। The neural uplink is nearby. Cool. मिल गया क्या अपलिंक? What's happening? Shield. I believe we may have triggered a classified shield security system. जड़ बुद्धि वेंचर। ए रे और वैसे असली में ये वो है एक साइंटिस्ट। Nick Fury. If you're hearing this, then the worst has happened. I'm gone, and that means I need you now more than ever. I always knew Shield might fall, so I made sure it could also rise again. स्टोरी के पीछे ना पड़ो यार अभी है ही नहीं वो स्टोरी बहन तुम कह दो ये क्या था ये वो कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो एक करीन ने बोल दिया क्योंकि सुनाने तो मुझे है ना क्योंकि एक सेकंड में बहन दो मिनट में खत्म भी होगी कोई था नहीं भैया इसमें फिर तो कहेगा भैया मैं क्या हाईलाइट निकाल लूँ कोई आंध दिमाग में तो सुनाऊंगा बढ़िया मिसाज नहीं खेल यार बुन पड़ गया। गुड लक एवेंजर्स गोस्ट ऑफ सुष्मिता फ्यूरी आउट फ्यूरी आउट Director Fury, like Shield's Director Fury. Those protocols he was talking about must be inside. Hello, Osho Bhardwaj. भैया ये मिनट में चल जाएगी Pokemon. यार Pokemon, यार कैसी कैसी गेम बता रहे तुम? They must have followed you inside. Protect the uplink. I think I can upload the protocols to a secure server. We've got to get this data back to the Chimera. Think we can hold them off? Hulk
चल गोसरी चल बहन ऊपर क्यों आ गई है डिफीट ऑल द टारगेट्स इसमें पता क्या हुआ पहले तो सब लड़ रहे थे जिस जहां फाइट हुई थी फिर ये सारे गायब हो गए टोनी वोनी थॉर वगैरह ना कहीं चले गए और कैप्टन अमेरिका कह रहे मर गया जहां पे वो ब्लास्ट हुआ था तो अब ये ढूंढने आई है इसके साथ ये जब वहां पे आई तो ये हल्क पहले से था वहां पे तो ये हल्क और ये मिल गया सबको ढूंढ रहे हैं अब जार्विस तो मिल गया इनको जो हेल्प कर रहा अपलिंक वगैरह ढूंढने में तो ये बड़ी से अपने आप ही हो जाती है बटन दबाने पड़ता है जूता पड़ाता है सटीक लहत मिशन कंप्लीट भाई कमला हलक से बढ़िया था यस इसका नाम कमला खान है ना कमाला कमला हलक कमला हलक से बढ़िया था वाओ डायरेक्टर फ्यूरी गॉट मोर देन वी बार्गेन फॉर डिडंट वी जार्विस कंटिन्यू कैंपेन वी बेटर गेट दिस बैक टू द कैमरा चार्जिंग अ कोर्स नाउ मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फैन है एक बार नाम ले लो दर्श दर्श बोल दे भाई दर्श भाई दर्श नाउ दैट द न्यूरल अपलिंक इज दर्श लव यू I can access my full database. Director Hill is reviewing the sheet's protocols that you also recovered. Feeling better, Jarvis? Everything seems to be in working order. You have no idea how much this means to me. To S.H.I.E.L.D. Gaming Wally. Thank you, Bruce. Gaming Gadgets. You too, Kamala. With this, I can start rebuilding the S.H.I.E.L.D. in earnest. If you ever need anything, give me a call. Battlefield 5. I'm sure we'll be seeing a lot more of each other. Killing it. Looking forward to it, Director. Like yeah, hello. Loot or something. No need for that. Oh, good luck, both of you. Jarvis, you think you can get us Tony? This will take some time, but I should be able to find Mr. Stark. Ab beta Stark mil nahi raha hai. In the meantime, I've uncovered something that might be of interest to Ms. Khan in the harm room. The what now? The holographic augmented reality machine. Something augmented reality. Dekhi isme wahi chal raha. Whoa, that sounds awesome. टेस्टिंग कर सकते हैं मतलब ना अच्छा जाना ही पड़ेगा वहाँ यही वो जगह है जहां पे वो ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी मिली गई थी से तो वहां पड़ी थी कैप्टन अमेरिका की हाँ वो यही तो ढूंढने आई थी वहां अब यहाँ पे कोई है नहीं It's still hard to believe all this is real. I mean, I just flew on a Quinjet to a secret shield base. We saw Nick Fury and fan now I'm talking to Jarvis and not keeping my cool at all. Sorry. No need to apologize, Miss Khan. Use the console to activate in the harm room. भैया कमला का नरूटो की फैन लग रही है नरूटो की नहीं है बैच एवेंजर्स की अब यहाँ पे अब थर्ड डायमेंशन में दिखाएंगे हमारे को शाउट आउट प्लीज शॉर्ट क्रिएटर गेमर स्कूट अरे यार शाउट आउट बना अरे यार होलोग्राफिक ये होगा मेटावर्स अब देखो I hope you don't mind. Are you kidding? I am Iron Man. Dear work, virtual bad guys. Excellent. मजा देख कितना रहा खेल के वाइब्रेशन बहुत तगड़ी हो रही इसमें अब ये तो ऐसे सूट में ही हो सीधा तो वो फील ही आ रही होगी ले ले खेल डॉज बी से होगा बी से डॉज अभी डॉजिंग सिखा रहे बी से टैप 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 टैप
तीन डॉज कंप्लीट करने हैं। हो गए, मार पे चोट को, चला गया वो तो। अब है हमारा होल्ड बी वाइल होल्डिंग अस टुवर्ड्स एनिमी टू वॉल्ट। वॉल्ट मतलब जो ब्लॉक लगा के आएगी ना उसको ए दबा दे, ए होल्ड करके रखे। एक्स हैमस्टर, ओ गंदी गंदी बातें। एलएस तो यही है जो तेरा हैंडल है इधर उधर करने वाला। होल्ड बी, उसकी तरफ हैंडल करके बी होल्ड करना, बस उसकी तरफ हैंडल करके रख के। हाँ मार। अच्छा वॉल्ट्स करने तीन, दो हो गए तीन। ये वॉल्ट है कि जब किसी ने ब्लॉक लगा रखा उसकी तरफ जाके पीछे मार दो। कौन से हेडफोन? ये तो वो लगा रखे, ट्राइडेंट लगा रखे मैंने। ब्लू एंड येलो अटैक इंडिकेटर सिग्नल इनकमिंग अटैक, प्रेस आरटी टू काउंटर दैट। आरटी कौन सा होता है? देख तो पढ़ लख ना, नीचे वाले टी वाले, ऊपर वाले बी वाले हैं। आरटी यानी कि राइट वाला। व्हेन ब्लू इंडिकेटर, हाँ जब ब्लू इंडिकेटर हो। चल अभी भी नहीं, पैरी करना है ना एकदम से। ए अब बिल्कुल जस्ट अभी दिखा, जब बिल्कुल एंड में। ये देख अब दिखा, आ मार अब एक, बिल्कुल तभी जब वो मारने वाला हो। दो, अरे तेरी बहन जो, मार मार मार। तीन, बिल्कुल तभी एकदम से जटाक। चल लीजन फाइव का तो गिव अवे कर दो। हाँ सब ले लो तुम, मेरा ये चला रहा है इस टाइम। एक एक होल्ड कर कर। कौन से चला रहा है? लीजन। अभी कहाँ चला रहा है भाई, अभी तो मिला ही नहीं। ट्रेन स्ट्रिक के एनर्जी बाय हैवी एंड रेंज अटैक्स, दूर रेंज से दूर। ट्रेन करनी है इनकी एनर्जी, रेंज अटैक मारना ये L2 प्लस R2 करके वो मार। हाँ दूर रह दूर, रेंज अटैक। हाँ क्विकली बिल्ड अप इसके सुपर चार्ज बाय परफॉर्मिंग है रैपिड लाइट अटैक। दे दे दे, क्या दिखाने हैं तेरे भाई। लाइट अटैक्स मार लाइट, अब एक्स एक्स दबा, अब फिल करना है। अब लाइट अटैक्स मार, एक्स 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 से मार। ये फिल होगी, देख तेरी एनर्जी। एक बार ड्रेन हुई, एक बार फिल की, कैसे वो ट्यूटोरियल चल रहा है ना ये। PS5 क्लीनिंग वीडियो भाई, PS5 क्लीन करने की नौबत तो आए। सम हीरोज कैन फॉर द फ्रॉम द ग्राउंड एज ए टू असेंड, बी टू डिसेंड, और ई से इधर-उधर, और आर से स्टीयर, बी टू डिसेंड। A hold, press A while airborne to drop to hover a flight. Press A दबा दे, pad, ठीक है। अब दोबारा A, hold A, अब आगे कर दे LS, यही आगे कर दे से। नहीं tap tap कर उसको, press कर ऐसे tap tap कर। हाँ flight mode में आ गया ना अब तू। आयरन मैन होल्ड ए टू होवर, दोबारा कर। यूज नहीं करते तो अपनी जनता के हवाले कर दो। अरे करते हैं भाई करते हैं। हाँ एग्जिट हो गया, बी टू डॉज, इधर उधर हैंडल प्लस बी, दूर उड़ 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 हवा में उड़, हवा में उड़, बी टू डॉज बस। वही इधर उधर करके बी सही तो हो रहा था, जब आएगा तभी तो डॉज करेगा। दिखा मुझे दिखा, तीन अटैक्स डॉज करने ना। कितने करते हैं? दो हो गए, तीन हो गए। तू एक ही कर पाया था ढंग से, डॉजिंग प्रॉपर। अब कह रहे अपनी मर्जी से लड़ो, बैच हो
अब तो सारे पता लग गए तुझे। पेटे बी बी होल्ड करना है इसकी तरफ। भाई सेक्सी कॉम्बैट है इसका तो। ये करना था होल्ड करके ना, बीजों में सिखाया था उन्होंने। ले खेल। अरे यार विशाल नहीं खेलना मेरे भाई, मैं तो मन भी होता है गेम खेलने का, मूड ही खराब हो गया था खेल के। अब बाद में खेलेंगे जब दोबारा मूड करेगा। ये थोड़ी की जबरदस्ती गेम को खेल लो, बहन जो वहाँ चूत के थे चूते की तरह बैठे, कोई वो थोड़ी निकलेगा अंदर से कोई बोलना, और वो मस्ती भी तो निकल लीजिए। स्टोरी सुननी रहे चौदह वो इन्हें स्टोरी सुनाऊंगा पहले। स्टोरी सुनो तुम किने सुननी स्टोरी, वो दो मिनट की स्टोरी है, दो मिनट की सुनो, गेम खेलने के बाद दोबारा। भाई स्टोरी ऐसी है, तू सुनाएगा मैं सुनाऊं? चल तू ही सुना। ठीक है, मतलब स्टोरी क्या है, असल घटना है ठीक है। और जो हजरा इसी की है, बात है ऐसी, सन 2012-13 की होगी, 2012 and 2013 तब था ऐसा दौर था उस टाइम पे बीटेक करने का, कि बीटेक कर लो, कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, बीटेक कर लो बस, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा वो वाला दौर चल रहा था, पीछे ठप्पा लग गया था। तो ये 12th पास हुई इसकी, तो सब साथ वाले इंजीनियर कर रहे थे, भाई कह रहा मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, क्या करूंगा बीटेक करो भाई। तो बीटेक अपना बाबूजी चला गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर, क्या था उसकी टैगलाइन, यही है द वर्ल्ड इज हियर, दुनिया कहाँ है हम यहाँ है बहन। तो ये कह रहा वर्ल्ड वहाँ है, तो इसको तो दुनिया वहीं मिल गई। वो दुनिया इतनी अलग, इतना बड़ा कॉलेज है, बड़ा भरपूर। चलो कॉलेज तो बाद की बात है, एक साल इसने कॉलेज में काटा टाइम अपना, ठीक है ये वो करके। फिर आया सेकेंड ईयर में कि पापा लैपटॉप चाहिए, ठीक है। नहीं पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लैपटॉप कौन सा लैपटॉप चाहिए, पापा बोला 10-20 हज़ार का, 30 हज़ार का आ जाएगा उस टाइम के हिसाब से, तब तो भाई 10-20-30 भी बहुत होते थे। इसने कहा कि ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता था ग्राफिक कार्ड क्या होता है, क्या सीन है, कैसा है, मैं छोटा ही था तब, 7th-9th क्लास होऊंगा तब, मेरे कॉलेज में इंटरनेट अंधाधुंध चला। हाँ तब इंटरनेट बहुत बड़ी बात थी, और इंटरनेट इसके कॉलेज में दनादन चल रहा था, फ्री वाईफाई वाला। तो कह रहा कि लैपटॉप लेना, तो पापा ने कहा कितने का आएगा, तो हमने सर्च सूर्च करा पूरा बैठा अंधाधुंध। उस टाइम पे ग्राफिक कार्ड आए थे लैपटॉप में 512 MB का ग्राफिक कार्ड, आज की डेट में 4GB 1650 नॉर्मल है ना, 512 MB वो AMD का ग्राफिक कार्ड था, उसमें AMD रेडियन 512 MB का डेडिकेटेड चिप आनी शुरू हो गई थी, वरना IGPU चल रहे थे पहले। मैंने कहा ठीक है चलो, वो लैपटॉप था भैया जो 42,000 रुपए का एसर का, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लैपटॉप अभी भी मेरे घर में है, स्टिल है, वो पड़ा है। तो वो लैपटॉप इसने ले लिया 42,000 रुपए का, बैंस की आंख। मैंने कहा भाई ऐसा क्या ही होगा इसमें, कह रहा शिब्बू जो गेम बैंस सीधी चल जाएगी, कोई सोचने नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारे पास जो कंप्यूटर था ना वो था 256 MB रैम, डुअल कोर प्रोसेसर, सेलेरॉन, 40GB हार्ड डिस्क। सोचो उस जमाने का आदमी हूं मैं, जहां तुम आज देख रहे हो बैंस भरपूर सामान पूरा 40GB हार्ड डिस्क। तो मैंने कहा एक बार क्या हुआ, अब एक से दूसरी स्टोरी जुड़ गई है, ठीक है भाई, हाईलाइट मिल गई, हाईलाइट मिल गई, विदात मिल गई। तो हमने कंप्यूटर लिया, ठीक है अभी पहले इसकी स्टोरी बाद में आएंगे कॉलेज वाली, अब तुम पहले मेरी पे आ जाओ, ठीक है, अब ये पूरी एक हाईलाइट होगी, ठीक है। तो क्या हुआ सिस्टम, रुक जा तो जरा, अभी इंटरेस्ट आ गया का जरा। भाई हमने लिया कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर उस टाइम पे भाई इतनी बड़ी चीज होती थी, हम जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में हमारे घर ही था, हम एक बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं, तो देहरादून में अब रहने लगे हम, एक सरसावा जगह है, गांव तो ज्यादा बुरा वर्ड हो गया उसके लिए, वो एक टाउन है, ठीक है, टाउन हो गया वो कस्बा। तो वहां पे ना मतलब मैं कह रहा ज्यादातर लोगों के घर में लैंडलाइन फोन भी नहीं था, तो सोचो कंप्यूटर क्या ही बड़ी बात होगी। उस टाइम पे
इसने बात बूत करी होगी पापा से, पापा कंप्यूटर दिला दो, कंप्यूटर दिला दो। बापू ने कहा चलो दिलाते हैं। 25,000 रुपए, तब मैं आई थिंक थर्ड क्लास में था, 25,000 रुपए कंप्यूटर दिलाया था पापा ने उस टाइम पे कि चल बेटा कोई 700-800 का गेम लेना है, वो बड़ी बात होती। हाँ, जब ये मारियो मूरियो कॉन्ट्रा गेम में तुम मैच रूल रहे थे तब हम कंप्यूटर चला रहे थे। तो मैं जब थर्ड क्लास में था, सोचो मैं अभी, तो तुम खुद लगा लो मैं इस टाइम पे कितने साल का हूँ, मैं 26 साल का हूँ, 26 years, और थर्ड क्लास में मैं कितना कहूँगा, 7 साल का, 6 साल का, तब मिल गया था 20 साल पहले आज से। और 20 साल पुरानी बात के साथ सोचना है। हाँ, 20 साल पुरानी बात के साथ सोचना, मतलब तुम अभी, ये तुम अभी अपने, और मैं 9-10 साल का, तुम लोग अभी भी बापों के टट्टम होंगे, मतलब जो तुम देख रहे हो लाइव स्ट्रीम। कंप्यूटर ला दिया, उसके बाद पता है बहनचो, अब पूरे सरसावा में 3 ही कंप्यूटर थे बस, एक हमारा और 2 भैया और थे, वो थोड़े टंच चंट टाइप के थे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बढ़िया, पूरे हम नए-नए थे, हम नए-नए थे, हम गरीब आदमी भैया, हमें तो भाई कंप्यूटर, हाँ बस बहुत बड़ी बात है। वो आए कि एक दिन मैं चो की ना, अरे वो शिबू वो ना जरा हार्ड डिस्क लगानी है, और मुझे जरा अपना ना विंडोज इंस्टॉल पर क्या करना था, उसको कुछ करना था। मैंने कहा भैया आप बड़े हो, आप कर लो, हम क्या मना करें, हमें नहीं पता था कुछ क्या सीन है। उसने खोला और कुछ ऐसे अपनी हार्ड ड्राइव वगैरह निकाल ली, हमारी लगाई, फिर उसके बाद अपनी निकाल ली, फिर कुछ ऐसा करा ऊपर नीचे, और ना पट से आवाज आई एक। और तब लाइट भी नहीं आती थी, इन्वर्टर पे हमने कंप्यूटर चला दिया। हाँ, इन्वर्टर पे कंप्यूटर, तब तो लाइट तो बहुत बड़ी बात थी हमारा, तो वो तो लंबी कहानी है, वो तो फिर कभी सुनाएंगे। और पटक करके आवाज आई, फिर मैं भैया क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने बड़े इनोसेंटली पूछा भैया क्या हुआ। कह रहा शायद तुम्हारे घर में परौठे जल रहे। मैंने कहा परोंठे ना, मैं तब भी इनोसेंटली मैंने कहा नहीं परोंठे तो बनाई थी मम्मी, क्या मैंने ताला लगवा किचन में। हाँ, मैंने कहा किचन में तो मम्मी है ही नहीं कोई परोंठे, कैसे मतलब। तो कह रहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो मजाक कर रहा था मैं। वो भोसड़ी का कंप्यूटर, हमारी पावर सप्लाई पटक गई, उसने पता नहीं क्या तारे वारे इधर उधर करी, पावर सप्लाई में से धुआं निकल गया। तो फिर बस वो खड़े ही थे दोनों, और पापा आगे पीछे से हमारे। अब जिस इंसान ने 25,000 रुपए खर्चा हो, और उस कंप्यूटर का एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी, तुमने एक हफ्ता पिक्चर ही एक देखी थी, कौन सी पिक्चर? टार्जन, टार्जन एक पिक्चर देखी थी, टार्जन द वंडर का, टार्जन। तो बस हाँ, टार्जन देखी थी, उसके ऊपर पिक्चर, वो भी वो देखी थी, वो जो मिट्टी में गिर जावे था, वो अभिषेक बच्चन की थी मूवी, वो रन, हाँ रन रन मूवी देखी थी अभिषेक बच्चन की, लेजेंडरी। ओ भाई, फिर वो पापा आए, कह रहे क्या अंकल, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे, वो समझाने लगा पापा को। पापा को अंदर से था ऐसा कि इसके चाटा मार दूं मैं, पर पापा हमारा हमारा बाप इतना भाई इतना जबरदस्त बजाता था ना हमारे को, एक बार तो मुझे बहुत पहला था बाप ने, वो स्टोरी भी पेंडिंग है अभी, एक और स्टोरी एड ऑन हो रही थी उसमें, चलो वो बाद में, अगली बार लाइव स्ट्रीम में दिलाना। पापा गुस्सा पी गए अपना, और वो दोनों चले गए। बापू ने जो हमें सुनाई उसके बाद, बहन चो तुमने ये करवा दिया वो करवा दिया, पैसे कमाए कभी जिंदगी में ये वो, इतने हजार पे खर्चे, अभी 25,000 पे खर्चे, क्योंकि अब उन्हें ये नहीं पता। अब आज की डेट में सोचे पावर सप्लाई खराब हुई, चेंज करवाने कोई बात नहीं, पर नहीं, उस टाइम तो कंप्यूटर ही खराब हो गया। 25,000 में आपका कीबोर्ड भी खराब हो चुका, आपका माउस भी, आपका मॉनिटर भी, आपका सब खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और हम भी चूते के लंड, पूरे का पूरा सीपीयू उठा के उसकी दुकान पे ले गए कि भैया लो खराब हो गया। और वो उससे बड़ा चूते का लंड, कह रहा भैया 15 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। अबे तब ऐसे ही होता था भाई, तब पहले चेक करते थे, पता नहीं कब पावर सप्लाई कहाँ से आएगी, क्या ना करेंगे। हाँ, पर पहले चीजें देर में मिलती थी। वो जो कंप्यूटर बनाने वाला था, उसने कैबिनेट जोड़ने के लिए, जो आज हम तो 5 मिनट में जोड़ देंगे, वो 4 चीजें लगानी थी। हाँ, पहले था क्या, 25 दिन लगा दिए वो कंप्यूटर, सामान नहीं मिल रहा था ना उसे। कह रहा भैया क्या कहते हैं, अभी 15-20 दिन लगेंगे, आप आराम से आना, ये वारंटी में हो जाएगा। तब तो हमें लगा सास में सास है, ठीक है। और हम ना उसे हर 2-3 दिन बाद, भैया पीसी हो गया? नहीं भैया। अच्छा, भैया पीसी हो गया? पापा फोन करो ना, मैं पूछो कि अब तक जल्दी हो गया हो। पापा कह रहे वो कर देगा फोन जब हो जाएगा। अरे ये नहीं करते पापा, आप पूछो। मैं नया कंप्यूटर आया, गांठ पड़ गई बहन चो, कभी हमारी जिंदगी में सही नहीं हुआ वैसे, कुछ नहीं सही हुआ, ताले टूट गई बहन चो। चलो अब सीन क्या है, मतलब हम उस जमाने के हैं जब हमने कंप्यूटर के नाम पे, मतलब उसमें GTA San Andreas मेरा चलता था, कि उसकी लोडिंग स्क्रीन पे 15 मिनट में बैठा रहता था, अपने अपने आप को देखता था, बेंच स्क्रीन में चूते का लंड बैठा उस तरफ ऐसे करके देखता रहता था मैं, कहा अब चलेगा अब चलेगा। तो वो जमाने का हूं मैं, उस जमाने में इस बाबूजी ने लिया 4GB RAM, नहीं 2GB RAM, 2GB RAM, 512 MB का ग्राफिक कार्ड और i5 प्रोसेसर, वो भी बोसड़ी का थर्ड जनरेशन। तो मैंने कहा भाई
पारस लैपटॉप बहुत पावरफुल है तेरा, इतना मोटा बहुत सड़ी का ईट जैसा लैपटॉप ये लेके आया। अब उसके अंदर वही था खुरपती सैन एंड्रियास चलाने की और कुछ नहीं, हमने उसके अंदर सैन एंड्रियास चलाई वो मक्खन चल रही। मैंने कहा ये तो पारस बहुत बढ़िया लैपटॉप है, मैं अब इसको कॉलेज दो दिन बाद जाना था, दो तीन दिन बाद मैंने अपना चलो भाई आओ लैप गेम खेल रहा हूँ, दो दिन तीन दिन खेल रहा हूँ फिर ये चला गया। आया था उसके बाद बीच में, फिर उसके बाद अगले आया था हाँ, फिर ये बीच में दोबारा आया छुट्टियों में, मैं वहां से गेम डाबो वाला लेके आया था गेम, सुन ले मैं बता रहा हूँ मुझे याद है सब कुछ। फिर ये दो चार छह महीने बाद फिर आया, उसमें इसने डाल रख के बढ़िया बढ़िया गेम भाई साहब, बर्नआउट पैराडाइज यूट्यूब पे गेम प्ले देखो, मुझे आज भी याद है क्या गेम है वो आज की डेट में भी सेक्सी लगती है। सोचो उसके लैपटॉप में बढ़िया चल रही थी, स्मूथ बैंच मक्खन, बर्नआउट पैराडाइज डाल के लाया, एक्समैन ओरिजिंस वोल्वरीन ये डाल के लाया, प्रिंस ऑफ पर्शिया टू थ्रोन्स, प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विद इन, सारे और ये आधा गर्मियों की छुट्टियों में मैंने सारे गेम लपेट दिए बेंच एंड सबके। मैं कर ले भाई ले जा लैपटॉप वापस। ओ भाई उस जमाने में 2GB और आईफाई बहुत था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये चला गया दोबारा, कॉलेज शुरू हो गया, छुट्टियां छाटियां खत्म हुई, चला गया। मैंने कहा पारस इस बार ना, मैंने कहा पिछली बार गेम तो कम लाया था, मैंने कहा इस बार तो ज्यादा गेम लेके आई हो। कह रहा हाँ हाँ पूरी हार्ड ड्राइव भर के लाऊंगा भाई गेम की। कह रहा मूवी पूरी मूवी दिखाता था मुझे, फाइनल डेस्टिनेशन, रॉन्ग टर्न और पता नहीं क्या क्या अंधी मूवियां भर के लाता, क्योंकि वाईफाई उस टाइम तो फ्री वाईफाई ऐसा था बैंचोत सोना मिल गया हो। रात को टॉरेंट पे डाउनलोडिंग लगा के छोड़ दी, रात को टॉरेंट लगाया, सुबह तक बैंच अंधी मूवी डाउनलोड। तो उस टाइम पे फिर ये अंधाधुन गेम शेम ये वो मैंने से फोन रोज करता था, मैंने कहा ये पारस ये भी डाउनलोड कर लियो, मैं पारस ये भी डाउनलोड कर लियो, ये भी डाउनलोड कर लियो, इसकी पूरी गांड वगैरह हाँ हाँ कर लू मैं, वर्ड मुझे पढ़ने भी दे। मैं कहा तो बहुत पढ़ रहा वहां जाके, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी इसने, बैठे लोगों को पढ़ाया, बहुत पास कराया बच्चों को, हाँ वहां भी पैसे कमाए इसने, आज तक पैसे कमा रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये आया, इसकी ट्रेन वो कौन सी आती थी, वो शान ए पंजाब ट्रेन का नाम सुन रहे, और वो चौधरी पहुंच रही हमारे शहर में रात के 12:15। ये कौन सी शान है बहन चौधरी जो तो तुम्हारी पंजाब की रात के 12:15 तो 5 बजे चलती थी वहां से 12 बजे। और हमारा सरसावा का भाई जो रेलवे स्टेशन था, एक भी लाइट नहीं थी वहां पे, हमें दूर से आवाज लगा के पूछना पड़ता था पारस, वो कहता था हाँ इधर से हूँ, वहां पे आ रहा बैग उठा के टीटी बन के पूरा। मैंने कहा चलो सोचो मेरी एक्साइटमेंट, मैं रात के 12 बजे तक जाग रहा हूँ, मैंने कहा पारस आएगा उसका लैपटॉप लूंगा गेम खेलूंगा, मैं रात को ही खेल दूंगा। पापा कह रहे सो जा बैंक सुबह खेल लियो, कहीं नहीं भागा जा रहा आप तो यहीं रहेगा वो एक महीने की छुट्टी 1.5 महीने की पड़ती थी गर्मियों की, तो कह रहे यहीं तो रहेगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, फिर आ गया हम ले आए लैपटॉप और हम बात ही नहीं कर रहा नहीं तो अब यार तू पहले सस्पेंस की बात छोड़ दिया कर, बहुत टीका। तो आया ये, फिर मैंने ना आते रेलवे स्टेशन पे इसकी गांड मारनी शुरू कर दी, मैंने कहा पारस गेम वो वाला ये वाला ये वाला, कह रहा हाँ हाँ सारे कोई दिक्कत नहीं सारे गेम तेरे भाई ने फलाना, पूरा कॉन्फिडेंस से ये गेम गूम डाउनलोड पूरी बात कर रहा मेरे से। मैंने कहा ठीक है, मैं घर गया, मैंने कहा ला वो सारा इसका रखा सामान सुन, मैंने कहा पारस लैपटॉप ला, कह रहे यार रख दे यार वो सामान में नीचे पड़ा हुआ आराम से, तू सुबह खेलियो गेम जरूरी तेरे को भी खेलनी है वो, सो जा पूरी रात हो, फिर बापू ने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया इसके साथ साथ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं होंगे, मैंने कहा रात के यार 12:30 बज भी रहे सही बात है, मैं जो अभी क्या चलाऊंगा सो जाते हैं, हम सो गए, मेरी सुबह नींद खुली 8:30 बजे, और सुबह 8:30 बजे उठते ना मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने लैपटॉप खोल दिया, मैंने कहा तू लैपटॉप दे फटाफट, मैंने लगाया लैपटॉप की तार और ये बाहर बैठा हुआ था पापा मम्मी के साथ बातें बोतें कर रहा था, मैंने इससे भी नहीं पूछा सुबह, मैं कहा बहन जो अब नहीं पूछता मैं किसी से, अब तो मुझे गेम खेलनी है। मैंने लैपटॉप ऑन करा बटन दबाया और मैं जो बैठ गया, अब पहले उसमें लिखा आता था एसर और लोडिंग सी चलती थी थोड़ी सी, और इस बार जब मैंने ऑन करा तो वो कुछ ऐसे पैटर्न सा बनाया मेरे आगे, तो पैटर्न बन के आया, मैं बाहर गया, मैंने कहा पारस इधर आइयो, अभी आए ना, मैंने कहा इधर तो आ, मैंने कहा ये कुछ थीम चेंज करी क्या तुमने इसकी लैपटॉप की, कह रहे नहीं, तो मैंने कहा देखिए कैसा आ रहा, मैंने कहा मुझे लग रहा है ये लैपटॉप ना टूट गया है, ये हराम ज्यादा मुझे कह रहा हो ये कैसे मतलब कैसे टूट गया, कह रहा तूने तोड़ दिया होगा, मैंने कहा पागल है क्या, मैंने तो अभी खोला मेरे को क्यों बोल रहा तू, कह रहा ना कुछ तो, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं, मैं घबरा गया बेंच वहां पे, मैं कहा 40,000 रुपए की चीज टूटी मेरे पल्ले डाल दी इसने, डर वही था बाप का जो पीसी वाले टाइम का था, हाँ डर वही था बाप का, क्योंकि उससे बीच में बाप ने हमें इतना पेल रखा है, वो स्टोरी का पूरा एकदम मैशअप तुम्हें किस दिन में सुनाऊंगा कि बाप ने हमारे क्या क्या बजा रखा, वो एक अलग चीज है हमारी, इसकी तो फट रखी थी गांड इनने मेरी फाड़ दी, मैं गया मैं तो
ठीक है, अब जब मेरा थोड़ा सा रोल निकला, ये बेटी चोद ये भी रोल लग गया। अब ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लौंडा, मैं तो चल फिर भी बच्चा बच्चा, मैं कहते से मैं 5 साल छोटा हूं इससे मैं, ठीक है। ये बहन जो वहां रो रहा, और पता कैसे रो रहा, घुटनों में बैठ के जमीन में घुटनों में बैठ के जमीन में सर मार मार के रो रहा है ये बैच। दे पापा मेरा लैपटॉप खराब हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा, भोसड़ी का मां। बापू का तो शिफ्ट हो गया मूड, कह रहा है बेटा रो मत, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा भाई, रो मत, ये मत कर वो मत। मैंने कहा भाई पारा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं ठीक करा। नहीं अभी इतनी मुश्किल से रो जा रहा बहन चोद वहां पे अनसठ। मैं कहा यार मैं चुप कराया बजा बजा बड़ी मुश्किल से। हम उसी दिन चले गए, एक तो 14 वहां जहां रहे थे हम और जहां से हमने कंप्यूटर बिल्ड करवाया था और जो मतलब लैपटॉप की मारी, घर से 14-20 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ता था कस्बा छोड़ के सहारनपुर। वहां गए, मुझे आज भी याद है उस दुकानदार ने हमारे से 7200 रुपीज लिए डिस्प्ले के चेंज करने के, और कह रहा 15 दिन बाद मिलेगी। मैंने कर दे भाई, अब 14 डेढ़ महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी के लिए आया था, उनने 15 दिन बोले थे, दिया 14 ने 25 दिन में, और 5 दिन रह गए। आया एक आधी गेम से, वही पिछली बार की तरह हुआ, एक आधी गेम से खेल ली और ये चला गया बहन चो। और सस्पेंस ऑफ द ईयर, ये जो ये रो रहा था बाप के आगे कुछ कर रहा था, मुझे उस इंसिडेंट के 3 साल बाद पता चलता है, उस इंसिडेंट के 3 साल बाद। ये हराम जादे ने नहीं बताया मुझे, इसका दोस्त आके कह रहा ओ शिबू लैपटॉप वाली बात याद है तेरे को, ये जो जो मैं क्या 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 क्या, तो ये हंसने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ था, कह रहा इसने बताया ना घर पे होगी वो लैपटॉप टूट गया था और ये वो कि वो पेन आ गया था उसके बीच में। मैंने कहा पेन आ गया था क्या, कैसे? मैंने तो कहा ट्रेन के बैग गिर गया, और ये कह रहा था ट्रेन में बैग गिर गया होगा उस दिन, जब ये छत्ती पीट पीट रो रहा था कि ट्रेन से बैग गिर गया होगा। गिरा तो था पापा, हाँ मुझे याद आ रहा, मेरे को लगा दे। तब तो इनने ऐसे करके टाल दी है। उसके बाद उसका दोस्त कह रहा जो अभी भी हमारा हार्दिक कह रहा, अरे हम उसके अंदर तो पेन आ गया था और लैपटॉप बंद हो गया था, स्क्रीन टूट गई थी। मैंने कहा बैठ के लोड़े तू रोया कैसे था, ओ भाई इतना फर्जी कोई रो सकता है, छाती पीट पीट के रो रहा वहां बहन चो, और ऐसे सांस रोक रोक के ऐसे अंकल वो अंकुर पाठक की कॉमेडी देखिए, अंकल 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 वैसे करके रो रहा है बहन चो बच्चे की तरह। मैंने कहा हराम जादे इतनी गंदी, कह रहा भाई पूरे रास्ते ट्रेन में यही तो सोचता हुआ था कि घर पे एक्टिंग क्या करूंगा, कह रहा इतनी मोटी स्क्रिप्ट लिख की थी सक्सेसफुल हो गई मेरी, बच गई। मैंने कहा बहन चो, और ये बात हमने बाप को पिछले 2 साल पहले बताई है। अरे रुक जा यार वो, और ये बात हमने बाप को पिछले 2 साल पहले बताई है। बाप कह रहा बहन ये क्या था, मैं कहा यही था बस, एक्टिंग देख लो भोसड़ी का, ये शक्ल से शरीफ लगे, लोग कह रहे बहुत बढ़िया पारस भैया, पारस भैया ये बहन चो रम्य आदमी हमारे घर का। सुन ली, इसी नाम पे पारस भाई का चैनल सब्सक्राइब करो जाके वहाँ। हाँ पारस का चैनल सब्सक्राइब करो जाके चैनल्स में, चैनल्स में इसी चैनल को फॉलो, उसमें चैनल्स में जाओ, इसका चैनल दिखेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाओ फटाफट फटाफट। पारस भाई को एक्टर बना देना चाहिए। चलो इसी बात पे 500 रुपए सुपर चैट करो, बैच इतनी बढ़िया, 42,000 रुपए की स्टोरी बताई है तुम्हें मैंने, 42,000 रुपए की स्टोरी, 4200 रुपए तो करो, 72,000 रुपए 42,000 प्लस 7200 यानी कि 7 प्लस जो एक्टिंग करी रोने की 50,000 रुपए की स्टोरी है। पारस भाई मुंबई आ रहे हैं। चलो और गेम खेलेंगे। बेटे कॉम्बैट सेक्सीएस का अब ये खुल गई तेरी पावर्स, ये दबा के रख, ये होल्ड करके रख, आरबी टू फायर बीम। अरे चूतिया गलंड, बस माँ चौथी बीम की, होल्ड आरबी टू फायर बीम, होल्ड आरबी, आरबी ऊपर वाला राइट साइड में, ऊपर वाला राइट साइड का ऊपर वाला बटन, आरबी आरबी बैंड चौथ ऊपर वाला, सही वाला। क्या करा इसने? अभी तेरी बीम खत्म होगी, मार बीम बीम स्ट्रॉन्ग कर भाई, स्वाद आ गया, हाईलाइट आएंगे पक्का इसके, हमें लग रहा है हमारे को कोई बहन चोद वहीं बुला लेगा।
लाफ्टर क्लब में बुला लेगा कोई हमारे को दोस्तों को बस एक्टिंग करके दिखा दे एक बार एक्टिंग करके दिखा दे एक बार क्या कर रहा तू कर क्या रहा भोसड़ी के वाई तो दबा वाई से भी तो मार वाई से अरे बी से वाई वाई एक्स के बाद वाई से भी मार मर गया ले उसकी गार्ड में घुसेगा तो मरेगा ही अब मैं दिखाऊंगा देख तुझे पारस भाई को 40 दे देना मैंने कर दी थी पारस को तो 50 रुपए एक्स्ट्रा देने थे ओवर एक्टिंग के कार्ड टाइमिंग थे इन्हें करी इतनी बढ़िया थी अब देख कर भाई कच्ची टाइट कर देगा बैच मैं बटन भूल जाता हूँ यार वो तू ये आदत नहीं है ना बस स्टॉक मार्केट देख देख के पागल हो गया तू बैच बेटा फिर क्या ना गेम नहीं खेलना चाहिए जिसके घर वाले कहते गेम नहीं खेलना चाहिए भाई साहब पूरा माइंड शार्प होता है गेम खेलने से देख निपटा दिया बड़े वाला था अभी आएगा देख बड़े वाला उसकी बैंड चोद दूंगा मैं अब आ वो देख निपटा दिया उसे डॉज भी तो घर प्रॉपर निपट गया थे और होल्ड करके रखनी थी फायर बीम मारे को ना लंबी मारता कांग्रेचुलेशंस I believe I've located the metaverse. Dr. Banner, I have completed the scans you requested and have discovered residual traces of gamma radiation in a remote area of the Pacific Northwest. It is likely that Ms. Rappaccini is experimenting with your research there. I have marked the location on the war table. Chalo. Venga jo na mere paas hai ne theek hai. Ye to uska ho gaya hero ka alag mission ho gaya. Chalo. Campaign pura karte hain. कर दी लाइक भाई लार्ज एक्सपेंशन ऑफ वॉर ऑन बाय एम हेली कैरियर 4 मिशन चल भाई बेंचो में मुझे जाना भी है मेरी बीवी भी अकेली बैठी नीचे क्या टाइम हो गया 12 बज गए चलो गाइस लेट्स एंड द स्ट्रीम एक्सबॉक्स बढ़िया चीज़ है कहाँ जा रहा बैंड के लौड़े भाई वॉचिंग उस टाइम जब तेरी स्टोरी बता रहा था ना मैं उस टाइम 140 की वॉचिंग थी 160-165 भी हो गई थी बीच में तो कौन अच्छा भैया आपकी स्टोरी ने तो रात बना दी मेरी भाई साहब मजा आ गया पर एक बार वही सेम एक्टिंग कर दो सेम 20 साल पहले वाली एडिटिंग बंद कर दी इससे बैच एडिटिंग बंद कर दी इसके चक्कर में मैंने बाप एक बार अबे मतलब काम कर रहा था काम छोड़ के आ गया एक्टिंग कर पार एक्टिंग ब्रो यस यार मेरे को याद दिया था अजी लौड़ा अरे सोच तेरा लैपटॉप आज फिर टूट गया बाहर जो पड़ा लीजन और तुझे मेरे से डरना है क्योंकि देख मैंने जो लीजन दिया अगर तुमने वो तोड़ दिया तो मैं तेरी कितनी गांड मारूंगा सोच के देख अब उस टाइम की याद नहीं है ना मेरे को पूरा बिल्कुल याद है ऐसे ऐसे करके रो रहा था हंसना नहीं है रो के दिखा रहे हैं जो मैंने भी तो देख लोगों को करा बिल्कुल तेरे जैसी एक्टिंग करके बिल्कुल बढ़िया तूने कहा मेरी एक्टिंग करी पूछ के देख इनसे अपनी गलती दूसरों पर डाल दो ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं रोया था उस टाइम बहुत बहुत मासूम सा बन के रोया था मैं तो आज भी बन जा था तो फेक ही बहुत सड़ी गए नहीं नहीं वो तो बहुत रियल था भाई मैं जब मैं असली में मेरा जब लैपटॉप टूटा था ना तब भी मैं ऐसे ही रोया था लवड़ा रोया था बहुत सड़ी पे मैंने पूरी स्टोरी बनाई थी कि इसने वो बेंच जो तुझे दोस्त आके बता रहा था ना उन्होंने तोड़ा था वो लैपटॉप तो 14 से पैसे लेता उससे आया नहीं जैसे लैपटॉप पड़ा हुआ ना उसके बीच में पेन पड़ा आया बंद करा और उस पर बैठ गया
कटर घर की आवाज आ गई अंदर से, कटर कह रहा है। करो भाई मेरे को याद ऐसे नहीं आ रही, मेरे ऐसे नहीं हो सकता मैं कर ले भाई कर ले आ, सिर पकड़ के रो रहा था तू सिर्फ, आ भाई गिर गया। इससे ज्यादा नहीं रो सकता मैं। हाँ हाँ ऐसी था ऐसी था ऐसी था। एडिटर को बोलो जल्दी आ रहा है इतना नहीं। अब तो मेरा वाला जो मेन एडिटर है वो एक्टिव है इस टाइम पे। तो बैचो आज क्या क्या दिन भर भाई, वीडियो आई देख लो, अभी कल भी एक वीडियो आएगी, फिर परसों भी मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो आएगी, फिर तरसों भी मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो आएगी। चार का वीडियो का तो शेड्यूल पक्का है, बाकी उसके बाद देखते हैं फिर क्या आता है। प्रेडेटर ले लूं या ओमेन? यार ओमेन टेस्ट कर रहा हूं भी, मतलब टेस्ट क्या, अभी तो खोला ही था जो पड़ा हुआ है ऐसा कैसे ही ना, तो करता हूं इसका सिस्टम कुछ ना कुछ। चलो भाई कह रहे हैं जो ऑस्कर के लिए अप्लाई करो। हाँ फुल सुनील शेट्टी। फुल सुनील शेट्टी। ए ए ए ए मेरा पर माधुरी को छोड़ दे। करे बिना हंसे करा कर, बहुत ठीक है ऐसे ही तो है, दोबारा बिना हंसे कर करना बिना हंसे। हाँ पेमेंट आ गई, पेमेंट आ गई। आयुष चल, आयुष कह रहा अमित, अमित ही है ना इसका नाम, मेरे पे पेमेंट आ गई पेमिट। पूरा पैसा छावरा बहन कलोड़ा, फिर मेरी गार्ड वाले से वो पैसे दिए, पैसे दिए बहन चोत। देखे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितनों ने सब्सक्राइब करा, इन्होंने से जितने बैठे यहाँ पे कितने हैं भाई, 78 हैं, देखो कितने ने, आधे तो करे हुए होंगे वैसे बेचारे, बढ़िया लड़के हैं यहाँ पे भाई। एक्सपोनेंशियल वर्ल्ड फटाफट सब्सक्राइब, 822 हो गए, मतलब 12 लोगों ने सब्सक्राइब करा अभी। स्टूडियो सेम मिलेगा तुम्हें, बस इसकी वीडियो में सिल्वर प्ले बटन उतार के रख दे कोने में, मेरी वीडियो में मुझे फेड लगाना पड़े। कोई नहीं, अपना भी आएगा जल्दी भाई, अपना भी आएगा जल्दी। नेक्स्ट स्ट्रीम में क्या खेलोगे भाई, अभी इनमें से कोई एक गेम कंप्लीट करेंगे यार। अपना भी आएगा जल्दी, इस वाले का लगा लेंगे चैनल का, वैनम गेमिंग वाले का, इसमें आधा आधा तो मैं ही हूं, आधा तो भाई है, असली पैसा तो कहते हाइलाइट्स आ रहा, असली व्यूज भी हाइलाइट्स आ रहे। 140 पारस भाई को दे दो सुपर चैट के, तुम्हारे से ज्यादा ले ले रहे हो ठीक है, 100 बैच 140 अच्छा, ये सब अलग अलग कर दिए, स्टिकर स्टिकर भेज रहे, 100 एक एक 40 एक एक भाई कर दिया सब्सक्राइब, बढ़िया 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 भाई। गॉड ऑफ वॉर 5 PS4 पे आएगी, पता नहीं यार पक्का आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी देखी जाएगी। स्वर्ण नाभ हो भाई, भाई थैंक यू सो मच 400 भाई। ओमेन वाली वीडियो में प्रेडेटर वर्सेस ओमेन बताना यार, प्रेडेटर कौन से वाला, देखो 3060 जो 110,000 वाला ऑब्वियसली वो तो मैं सजेस्ट करा ही नहीं अपनी वीडियो में, मैंने ओमेन करा तो ओमेन डेफिनेटली। अगर आप प्रेडेटर 11th जनरेशन वाला कह रहे हो भाई, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करा अभी तक भाई। 100% ये चैनल पारस भाई का है। इसको क्या हो गया भाई। स्वर्ण नाभो भाई थैंक यू सो मच फॉर 200 वंस अगेन, थैंक यू ब्रो, इतनी प्यारी लगी गई स्टोरी। और वो कह रहा बहन चो बात, बस क्या बताऊं, वो लैपटॉप लेकर दिखाओ, लाकर दिखाओ, लीजन वाला वो बाहर पड़ा यार, उसको ओमेन पड़ा हुआ यहीं टेबल पे, मैं शाम को खोल के बैठा था ना इसे, ये रहा ओमेन जो अभी इसकी वीडियो एक दो दिन में आएगी, निकालना बहन चोर, ये रहा ओमेन, दर्द आज वाली वीडियो में गड्डी नहीं भी सुना जा रहा था, हाँ गड्डी नहीं भी सुन रहा था मैं, सिंगस्टा बेबी हो गया था मारा। अब पैसे भाई, इतने एक्टिंग तो कर दी मैंने यार, इतनी सारी एक्टिंग कर दी, रोने की धोने की। नेक्स्ट लाइव कब आओगे भाई, सुनील शेट्टी की, इस वाले चैनल पे, इस वाले चैनल पे मोस्ट प्रोबेबली हर एक दो दिन में लाइव आते रहेंगे। अब इस चैनल को 1,00,000 पहुंचाना है फटाफट, सिल्वर प्ले बटन चाहिए मुझे इसका। ओमेन दिखा तो दिया, स्टोरी वाला लैपटॉप, अच्छा वो नीचे पड़ा ना सबसे, कौन सा, हाँ वो भी दिखाएंगे भाई, वो अगली स्ट्रीम में दिखाएंगे। हाँ। वो नीचे पड़ा हुआ बिल्कुल एकदम, चलता आज भी है वो बेंच, बड़ा बेशरम लैपटॉप है,
एसर का वही बढ़िया नया लैपटॉप का जब रिव्यू करेगा ना उसके साथ वो रख दियो। पाँच सौ बारह एमबी ग्राफिक कार्ड, ये स्टोरी का प्रमोशन करती हूँ। लजेंड लजेंड विसाज पूरी कर देना जल्दी। हाँ यार विसाज पूरी करें, ओए विसाज पूरी खेलनी है ये। देखेंगे ऐसे बुड्ढी सी गंदी सी औरत को, बोल मुंह वाले को। हाँ यूं आ खड़े हो जा। क्या भाई साहब क्या हुआ? मैन बढ़िया है मैन जान। भाई इलस्ट्रेटर फोटोशॉप एंड वीडियो एडिटिंग के लिए बजट 60-70 के सजेस्ट करो। भाई मैं वीडियो बना चुका हूँ प्लीज, ये सवाल नहीं। मैं 60 से लेके 80,000 तक के लैपटॉप, 80,000 से लेके डेढ़ लाख इतने तो लैपटॉप डाल रखे हैं। मैं तो चैनल देखता हूँ, लैपटॉप ही लैपटॉप। हाँ ऐसा क्या, जो मर्जी ले लो सब बढ़िया है यार। इस चैनल पर चाहिए, हाँ इस चैनल पे अगली बार लाइव स्ट्रीम में दिखा देंगे वाला लैपटॉप यार। हाँ। ग्राफिक कार्ड लगा दो उसके अंदर बहन चो, ईजीपीयू का डॉक लगा के। हाँ वो आ जाता है वो पूरा पावर सप्लाई का, पावर सप्लाई कीपैड भी चल नहीं रहा, फूक गया और कीपैड माउस पैड उसका। तो अब तुझे लग रहा मैं लगवाऊंगा? बहुत सड़ी के अब तो उसको मैं वैसे कर देता हूँ, स्क्रीन अलग से चिपका देता हूँ और ऐसे लैपटॉप लगा देता हूँ जैसे उसने कर रखा था। खोल के याद रहेगी ना, छत्ती पीटने वाला लैपटॉप। उसके बाद तो उसकी कितनी बार स्क्रीन टूट चुकी है। अगली बार वो वाली स्टोरी बताएंगे जो दुकान पे लैपटॉप गिर गया। वो स्टोरी बड़ी खतरनाक है, वो छोटी सी है, वो वैसे समझा देते हैं, मतलब स्टोरी टाइम है बट वो इतना फनी नहीं है। ठीक फनी हो भी सकता है, मैं बताऊंगा तो शायद हो जाए फनी। एक स्टोरी और बताते हैं भाई, सोने पे सुहागा, यू 72 पीपल आर लकी, सो लकी दैट यू विल हियर टू स्टोरीज इन अ सिंगल सिंगल लाइव स्ट्रीम। ओके लेट्स स्टार्ट इट। लाइक मार दो इसी बात पे, इसने लाइक नहीं मारी। एक और स्टोरी लाइक मारो पैंचो। वरुण धवन आया स्टोरी सुनने मारी। इसी पर मूवी बनाइए बेटे, हिट जाएगी। सोच कर असली का आया होता पर असली में टिक लगा होता। अबे कहाँ वॉचिंग जा रही, सुननी नहीं क्या स्टोरी? माँ चलाओ मैं सुनाई ना वॉचिंग देख बहन, जो चार पांच छह बंदे भाग गए फिर तो फायदा नहीं है, फिर नहीं फायदा। सब कुछ शेयर करो पहले यहाँ पे बहन, जो 100 बंदे होंगे ना तो उसके बाद चलेंगे स्टार्ट। हाँ 100 बंदे आएंगे तब स्टोरी शुरू होगी। सिंगस्टा बेबी यो यो निजिंग लाइक मारो स्ट्रीम में आचो। अनलाइक कौन कर रहा है, 76 से 75 हो गए। चलो हाँ तो सीन क्या है, तुम में से पता होगा जिन्होंने जो मेरे चैनल से मेन वाले चैनल से पहले से जुड़े हुए, उसमें उसमें बताया था ना मैंने अपनी क्या कहते हैं Q&A वाली वीडियो में, उसके अंदर की भाई मेरा स्टोर है ये फोन रिपेयर सर्विस, लैपटॉप रिपेयर सर्विस और सेल्स वगैरह का। तो ये बात है कुछ आज से 2 साल पुरानी होगी लगभग। तो वहां पे क्या हुआ, शॉप खुली, जस्ट खुली है अभी, सुबह 10:30 बज रहे हैं, फ्रेश माहौल, दुकान में अगरबत्ती चल रही है, गाने चल रहे हैं, बढ़िया आराम से मस्त माहौल। उस यूजुअली क्या होता था, मैं अलग से जाता था सुबह, ये कभी बाद में आ गया कभी पहले, पर नहीं उस दिन हम दोनों साथ जा रहे थे कि पारस साथ जाएंगे, क्यों वो अभी पता लग जाएगा क्यों। तो हम पहुंचे दुकान पे, बाबूजी पूरा कह रहा भाई साहब रोज पूरे रास्ते में बातें करते हुए जा रहे हैं कि अब रोज बस जाना है। पहले हम क्या होता था ना कि बहन चक्के लेट जा रहे हैं, अपने लड़का को दे यार दुकान खोल दियो ठीक है हम आ जाएंगे आराम से बाद में। फिर हमने ना रोज सुबह जाना है भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रेगुलर काम करेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे, डिसिप्लिन चाहिए हमारे को, बिजनेस एक्सपेंड करना है पूरा। मैंने कहा वाओ यस एक्सपेंशन पीक पे हमारी ग्रेट। हम पहुंचे दुकान खुली बढ़िया, इसने ऑफिस खोला अपना क्योंकि हमारी मेरी शॉप और इसका ऑफिस बगल बगल में था। तुम दुकान को भी ऑफिस ही मानो, दुकान में चूतिया लगे सुनने में। दुकान दोनों ऑफिस खुले दोनों के ठीक है, मेरा स्टोर खुला इसका ऑफिस खुला ठीक है, स्टोर अच्छा है। तो उसके बाद इसने जब अपना ऑफिस खोल दिया, अब मैं ऐसे खड़ा हूं पीछे की एंगर है ठीक है इधर, तो ये यहां से जा सकता है टांगने नहीं। अब जब तक ये ऑफिस खोल रहा था तब तक एक स्टूडेंट आया, यूपीएस देहरादून का जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, आया स्टूडेंट और वो 32,000-28,000 का लैपटॉप नया नया लेके आया था, बिल्कुल नया। उस चौधरी ने अंदर की वो जो वो ऐसे वो मखमल की चादर नहीं पीछे आती कीबोर्ड और स्क्रीन के बीच में, वो भी नहीं हटाई थी। तो उसने रखा, मैंने ऐसे खोला, मैंने वो उठाई, मैंने कहा लो भैया बहुत अच्छा लैपटॉप है, कितने का लिया, हाउ मच फॉर इट। वो चूतिया उधर का था, साउथ सूथ का था कहीं का, तुम में से वो बुरा मत मानना, उसे हिंदी नहीं आती थी, थोड़ा इंग्लिश वाला था वो, मतलब इंग्लिश लौड़ा उसकी, इंग्लिश भी ढंग की नहीं थी, इंग्लिश में मतलब ऐसी थी उसकी, ए बॉट इट फलन है निमक का, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके खरीदते इतने करना, हां झूठ के बोलते ऐसे वाला ऐसे। तो वो रख दिया उसने लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो चूतिया एमएस ऑफिस डलवाने आया था, नहीं विंडोज शायद, विंडो डलवाने आया था, विंडोज डलवाने आया था शायद, क्योंकि उसकी विंडोज में कुछ इशू हो रहा था। हाँ। क्या था,
कि भैया इसमें फीस वो कुछ भी नहीं करना था, विंडो अपडेट करके देता मैं उसकी उसी की ना वो लैपटॉप लिया था बिना विंडो वाला ले लिया था, वो कह रहा था इसमें वैसी विंडो डाल दो बाहर से, विंडो वाला ही था उसका पर उसको ना कुछ वो चल नहीं रहा था, वो मुझे करना आता था मैं कर देता उसका, और मैंने कहा था भैया 300 रुपए लगेंगे, कह रहा हाँ डू इट डू इट, मैंने कहा यस ओके। तो अब ऐसा रखा लैपटॉप यहाँ पे, तो ये अब पीछे की हैंगर है ना और वहां से जाने का रास्ता है, पर ये कह रहा शिबू ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये लैपटॉप रखा है, ये बंदा खड़ा है और ये पीछे से आया शिबू चाबी। अब चाबी इसने ऐसे पकड़ी, ऐसे मुड़ा और लैपटॉप पे इसका हाथ यूं लगा, वो नया नवेला लैपटॉप दुकान में भटक, समझ रहे हो तुमने नया नया लैपटॉप लिया हो, मतलब ये वही वाली हालत होगी जो मेरी सेकंड ईयर में हुई, वो चूते के लंड की वही हालत होगी जो उसकी सेकंड ईयर में हुई होगी, हाथ लगा लैपटॉप टू, अब तुम अपने ऊपर लेगा, तुम्हारे बाप ने नया लैपटॉप दिलवाया और तुम किसी दुकान पे ले गए, कुछ छोटे मोटे इशू के लिए, और उस चूतिया दुकानदार ने तोड़ दिया, तुम उसे कौन सी नजरों से देखोगे उसने बताओ बताओ कौन सी नजरों से देखोगे, ऐसी गालियां दोगे तो अंदर से, और वो ए ब्रदर ब्रदर एक ब्रदर, मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता टेंशन ना ले, तो ऐसे ऐसे करके वो भाई उसकी तो मतलब जो जिसका लैपटॉप था ना वो ऐसे हो गया था, मतलब उसे ये नहीं पता था कि मैं मांगू, क्योंकि उसे ये लगा था कि ये बहन के लौड़े मुकर जाएंगे कि ये नहीं देंगे, पर हम बेचारे दिल के अच्छे आदमी थे क्योंकि हम वो उस फेस से निकल चुके थे, हमने वो बियर कर लिया था। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बाय यू न्यू लैपटॉप, डोंट वरी नो इश्यूज। मैंने तभी उसको गया कंप्यूटर मार्केट वहीं पे जहां पे, और सेम मॉडल का सेम लैपटॉप मैंने उसे डिस्काउंट नहीं कुछ नहीं, और गणेश भैया यूं चले गए सामने से उठ के, मैंने कहा यार कोई पूछता नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, तो जाके फिर हमने बिल बुल कटा के मैं कहा ले जाओ, उसने पूरा दिन फोन किया हमने, पहले तो लैपटॉप मिल ही नहीं रहा था मॉडल किसी, हम कितने कितने दुकान, हाँ पहले तो वो मॉडल नहीं मिल रहा था, मैं चुपी बड़ी मुश्किल है, मुझे वही मॉडल चाहिए, हाँ आई नीड दैट मॉडल ओनली भैया, माय फादर विल से पलाना डेरे मक्का, और 14 कलर भी वही सेम चाहिए था उसे, मुझे स्पेसिफिकेशन भी वही चाहिए थे, मैंने कहा 14 कोई i3 है तेरा, i3 ले ले, 6th जनरेशन 7th जनरेशन भी ले ले, दुकान पे जाके खड़ा कर दे भाई, कोई भी खरीद ले, मैं दुकान पे ले गया उसे, मैंने कहा देख ले भाई तुझे जो चाहिए, जो 28,000-30,000 में जो आ रहा ले ले, बैंचो मैं दिला रहा सेम मॉडल, हाँ बैंड के लौड़े, हाँ बहुत सड़ी के, एक तो पनौती सुबह ही आके बहन जो भैया ए चल ली रहा चूते नया लैपटॉप लेके क्यों आया तू, और ये गांडू ये गांड का अंधा ए लसीबू चाबी पड़ा बहन जो, ओ भाई उसकी शायद रिकॉर्डिंग भी पड़ी है हमारे पास, मैं ढूंढ के रखूंगा उसकी रिकॉर्डिंग, इंस्टा पे पोस्ट करूंगा और वहां पे लिखूंगा कि गेमिंग चैनल पे जिन्होंने स्टोरी सुनी उन्हें पता होगा वो रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, इसका हाथ लगा लैपटॉप ठस बहन जो, तीन टुकड़े हो गए 14 के, फिर वो लैपटॉप फिर हमें स्क्रीन चेंज करा ली थी उसकी, हाँ चेंज करा ली थी, फिर अरे हाँ अरे तुम मेरे चैनल पे शुरू से हो, तुम्हें वो लो स्पेक गेमिंग वाली वीडियो नहीं आती थी, वो चूतिया उसी भूसड़ी का लैपटॉप था जिसमें बहन जो लो स्पेक गेमिंग की वीडियो बना रहा था मैं, हाँ वो वाला वो जिसमें टॉम रेडर और स्लीपिंग डॉग्स की वीडियो बनाई थी, वो वही लैपटॉप है, फिर वो बेच दिया हमने वो 14 सुबह 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 आया है भैया लो मेरा लैपटॉप तोड़ दो, भैया आपकी जिंदगी में 30,000 का शनि बन गया आया हूँ मैं, सुबह सुबह 30,000 दो, और तो चूतिया तू बहन के लौड़े उधर से, यार एक काउंटर है पूरी दुकान खुली पीछे, ये काउंटर शुरू एंट्रेंस पे है, तुम पूरा सिनेरियो समझो, ये काउंटर ये कस्टमर और पीछे पारस आ रहा है सीढ़ियां चढ़ के, इधर से जा सकता है पूरी दुकान में घूम सकता है, चाबी जेब में डाल सकता है बैग में डाल सकता है, कहीं पूरी दुकान में ऐसे भी बट टूट नहीं देना स्क्रीन में, तो पूरी दुकान में ऐसे फेंक देता ना चाबी तब भी दुकान में कुछ ना टूटता, क्योंकि दुकान इतनी बड़ी थी, है मतलब अभी भी है वो शिबू चाबी, और मुड़ रहा है ऐसे ही हाथ में लकवा मार गया था, बहुत जैकेट लगी थी इसमें, लौड़ा लगा था, कल को वीडियो प्रूफ दिखा दूंगा, कह रहा जैकेट गर्मियां चल रही थी जैकेट लगी थी तेरे चुत्तड़ पागल हो गया, वो कोट पहन के आया हुआ था भाई, हाँ ये कोट पहन के जाता था ऑफिस, नहीं वो कोट पहन के आया हुआ था जो स्टूडेंट था, मुझे इतना पता है कि वो तेरा हाथ लगा था ऐसे, जब तू मुड़ा ना बस तूने यूं दी और यूं मुड़ गया तू, और यूं लैपटॉप के कोने में यूं तेरा हाथ लग गया वो जरा, तो तू टाइट पकड़ लेता लैपटॉप को जब तू कुछ कर रहा था, ये देख जर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट वेट गर्ल्स आर हियर, स्पैमर आ गया भाई कोई तगड़े वाला, i7 11th जनरेशन Ryzen 15 दोनों अच्छे हैं, मैंने बताया रहा कलीजन वाली वीडियो में, दोनों अच्छे हैं।
जीपीयू से 90 प्लस नहीं हो रहा ट्रिप अले गेम्स में। वॉर जोन चलाओ, वॉर जोन से पता लगेगा। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो, लिंक दे दो। अरे मेरे चैनल पे लो स्पेक गेमिंग प्लेलिस्ट चेक कर, वो उसी लैपटॉप में टेस्ट हुई हुई है। लो स्पेक गेमिंग मेरे चैनल पे जा, मेन चैनल पे लो स्पेक गेमिंग। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे थे? अरे दुकान में कैमरे भी लगे होते हैं भाई, कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है वो। अच्छा हाँ, दुकान में कैमरे हाँ हमें पता है। आज अब लैपटॉप तोड़ेंगे और रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा ठीक है, दुकान में सीसीटीवी की फुटेज है, वो पता पड़ी होगी फोन में, कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ेगी वो। सारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की मार। हाँ, जो रास्ते में ज्ञान चोद रहा था ना, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन विल टेलीकॉम एंड वेंचर ना, वो बिजनेस को क्या कर रहा है, एक्सपेंड। 30,000 रुपए का एक्सपेंशन सुबह ही लग गया बहनचोद, भागो। पूरा दिन की मार लग चुकी बहनचोद उसके, पूरा दिन की। उसके बाद बहन मूड ही खराब हो गया। और उसके बाद वो भोसड़ी का बंदा जिसका लैपटॉप था, लैपटॉप दिला दिया, सब कुछ है, बहनचोद 30,000 भी खर्च दिए प्रॉपर, सब बिल डब्बा चार्जर में का ले ले जा। उसका बिल तक नहीं मांगा मैंने, जो उसका लैपटॉप मेरी दुकान पे भोसड़ी का टूटा हुआ छोड़ो, क्योंकि उसका नया था, एक दो दिन पुराना ही था। उसका लैपटॉप का बिल डब्बा कुछ नहीं दिया उसने, मैंने मांगा भी नहीं। और वो अगले दिन कह रहा, ब्रदर माई माई लैपटॉप मॉडल वॉज दिस, मतलब उसमें ना जैसा होता ना, अभी तुमने देखा होगा पिछली बार मैंने लीजन रिव्यू किया था, तो ऑफलाइन मार्केट का मॉडल नंबर कुछ था और ऑनलाइन में कुछ था, बट लैपटॉप सेम होते हैं, मॉडल अलग अलग आता है। वो चूतिया मॉडल में ढूंढ रहा कि नहीं, माई मॉडल नंबर वॉज दिस एंड दिस इज दिस। मैं कहा सुन ले वो मेरी बात, मतलब मैंने उसको प्रॉपरली समझाया उसी की भाषा, मैंने कहा लिसन I can't do anything now, ठीक है, अब तू जा अपनी गांड मरा बहनचोद। मुझे गुस्सा चढ़वाया था उसने बहनचोद, फोन कर रहा डेली डेली, मेरे भाई पापा विल से दिस, माय पापा विल से, मैं कहा पापा को बुला के ले आओ मेरी दुकान पे। बहनचोद बातें चोद रहा है यहां, अंडी मंडी छंडी जो ना नाचे नाचो बहनचोद। चलो रुक जाए, मतलब वो वीडियो ढूंढने दे, बिजनेस फुल एक्सपेंड बिजनेस। हां चल चले। पापा ने क्या कहा, बापू तुम्हारा मस्त आदमी है शुरू से, बापू कह रहा कोई बात नहीं, अब कुछ होना था तो हो गया, बापू हमेशा ही कहता है। शुरू में पेल दिया बापू ने, उसके बाद हम ठीक हो गए, फिर बापू भी समझ गया कि चूतिया ही है। फिर बापू समझ गया चूतिया ही है, लौंडे मारे कुछ नहीं हो सकता इनका, इनने चौधरी ने नुकसान करना ही है। देखो दिखाता हूँ तुम्हारे को वीडियो, अगर मिल गई ना मुझे अभी, मैं अभी दिखा दूंगा तुम्हारे को, अभी लाइव स्ट्रीम पे कैमरा पे जू 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 पटा फोन आ गया भाई। चलो जाओ तू भाई, जा गुड नाइट दोस्तों। हवा का दी लगी तेनू चंडीगढ़ दी, दिखा दोगे वाली वीडियो तेरी लोगों को? पागल है। हवा का दी लगी तेनू चंडीगढ़ दी, बेइज्जती हो जाएगी इसमें तेरी मेरी सबकी। चल ओ बैच, इतनी गंदी वीडियो है ना हमारी। जट दा ब्रोस बाय, जाओ भाई जाओ निकलो, ये मां का भोस ना, गेट बंद कर दियो यार, मेरा गला सूख गया चिल्ला चिल्ला के यार। ये लोग कह रहे लाइव स्ट्रीम रोज करो, मैं वीडियो भी बनाऊँ, मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँ, मैं क्या क्या करूँ जिंदगी में। कहाँ गई यार वो, नहीं मिल रही मुझे लग रहा रिकॉर्डिंग, अब तो गूगल फोटोज ने भी मना कर दिया। मस्त आदमी हो वैनम भाई, लग रहो। थैंक यू कार्तिक गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। एक सेकेंड भाई तो चला गया, मैं ये अपना एक ही सिंगल वेबकैम कर लेता हूँ। अवका दी लगी तेनू चंडीगढ़ दी, शीशे मूरे पोज जे बना के खड़ दी। अरे रीसेट हो जाए ट्रांसफॉर्म, रीसेट। ओके बिजनेस नहीं, लैपटॉप एक्सपेंड कर दिया 15 इंच से 17 इंच। योर स्टोरीज आर बेस्ट भाई, अब तो दो हाइलाइट्स निकल जाएंगे इसमें से, ये भी काफी अच्छी खासी लंबी खींच दी मैंने स्टोरी, मुझे लगा था छोटी सी होगी। एक सेकंड रुको, मुझे शायद वो मिल गई ना एक बार, मजा आ जाएगा। हाँ अब शायद मिल सकती है। जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया, लैपटॉप और पीसी से तो बहुत तगड़ा प्यार रहा बचपन से, तभी तो लैपटॉप वाला चैनल खोल दिया, मुझे पता था इसी का ही कुछ हो सकता है। ढूंढनी पड़ेगी मुझे यार वो ना, होगी तो मेरे फोन में 2019 तक तो पहुंच चुका हूं मैं। हाँ 2 साल पुरानी बात है, 2019 के बाद ही हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली।
एक तो ये रिकॉर्डिंग पड़ी है, ना यार। हाँ इंस्टा पोस्ट कर दूंगा, हम देख लेंगे, इंस्टा स्टोरी डाल लूंगा सीधा और ये लिखूंगा, इंस्टा फॉलो कर लो जिसने नहीं करा हुआ, ये वीडियो मिलेगी इंस्टा पे जाएगी और सिर्फ सबको यही बोल दूंगा कि भाई जिन्होंने लाइव स्ट्रीम देखी होगी वही पहचान सकते हैं, मिली तो, नहीं मिली तो, नहीं पोस्ट करी तो समझ जाओ नहीं मिली, बट वो याद है हमने हमने रिकॉर्ड करी थी उससे ना। जाट द हो मामा कुड़े लुच्चा हो गया। अच्छा भैया आज बहुत लकी डे है हमारा, हाउ वाई टॉप पीसी गेम से नीच जॉनरा रिव्यू बनाओ प्लीज। अबे नहीं यार किस किस वीडियो में जट एंड जूलियट तो देखिए क्या? हाँ हाँ देखिए भाई, देखिए भाई यार कंफ्यूज हूँ, ओमेन और प्रेडेटर 11 जन में नीड हेल्प, प्रेडेटर ओमेन, भाई ओमेन का रिव्यू आ रहा है, अगर ओमेन की परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो डेफिनेटली ओमेन ले लेना, बाकी प्रेडेटर का देखो कोई किसी ने रिव्यू कर रखा हो तो चेक कर लेना भाई स्पेसिफिक वो स्कोर्स वगैरह तो उससे कंपेयर कर लेना, बाकी तो तुम्हें पता ही है तो हो ही जाएगा। देख ली भाई वॉचिंग, देख ली देख ली, 100 पार हो गई थी। 2022 में RTX 2060 चलेगा, चलेगा तो चलने को, रुक थोड़ी जाएगा वो, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप 2060 लो, 2060 अनऑप्टिमाइज्ड है बहुत ज़्यादा, वो परफॉर्मेंस 6060 Ti जैसी देता है। यार कॉलेज वाले लैपटॉप का रिव्यू कर दो, कॉलेज वाले लैपटॉप का, अच्छा रिव्यू, उसका रिव्यू क्या करना है यार, उसके ऊपर कोई डेडिकेटेड कोई ऐसी स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा जो लगे कि हाँ उस पर काम आएगी, देख के कोई गेम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ऐड हुई हो फ्री में, हमने ले रखा है। गेम्स ये रहा गेम पास, शो ऑल, लीजन 5 प्रो 3070 में बहुत मजा आ रहा है। अरे गोपेश भाई बहुत बढ़िया लैपटॉप ही तगड़ा है यार वो, ऐसे थोड़ी मैं सजेस्ट कर रहा लोगों को, देखो भाई ये सारी फ्री गेम्स हैं जो हमारे को इसमें मिल रखी हैं, बैटमैन, बैटलफील्ड 3, 4, 5, 2, कंट्रोल, ट्रिपल ए भी आई भी, क्राइसिस 1, 2, 3, लीजन 5 प्रो लूँ कि ना लूँ, एनी अदर, लीजन 5 प्रो तो लास्ट था ना 1.5 लाख वाली लिस्ट में, अगर उससे ऊपर बजट है डेफिनेटली लीजन 5 प्रो 3070 वाला आ जाएगा, उससे ऊपर बजट है लीजन 5 लीजन 7 आ जाएगा 3080 वाला, वो तो आपकी चॉइस है, बट अगर आपका 1.5 लाख तक बजट है लीजन 5 प्रो जस्ट यस यस, क्योंकि कल ये वीडियो बनाई थी मेन चैनल पे, आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो। हो भैया प्लीज चैनल में डालना वीडियो, इंस्टा नहीं अपने पास, मम्मी पापा चलाने नहीं देते। अरे यार उनको बोलो ना कि इंस्टा पब्लिक रखता हूँ, सिर्फ एक ही पेज को फॉलो करूंगा वेनम स्टैक को, और मेरा पेज दिखा देना उनको, कोई चीज़ हटानी होगी हटा दूंगा तुम्हारे लिए यार, एटलीस्ट भाई को फॉलो रखो, फॉलोड रखो, उस पर सीधा बोलना कि सिर्फ वेनम स्टैक को ही फॉलो, अकाउंट होगा और कोई फॉलोइंग होगी नहीं, अकाउंट खोल के रख देना उनके सामने कि आप चला लिया करना, और तुम्हें पता है मैं रंगी डंगी चीज़ें डालता हूँ स्टोरी वोरी और क्या। बाकी मेरे पे भी अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं। फीफा 20 खेलो, अरे नहीं यार फीफा उस पर 2022 पड़ा है मेरे पास PS5 पे, उसी पे कल रात खेल रहा था मैं अमन के साथ जब वीडियो शूट हुई थी ना उसके पहले। NFS भी पड़े हैं भाई बहुत सारे, Outlast 2, प्लेग टेल भी है इसके अंदर, भाई बहुत गेम है भाई, एक्सबॉक्स गेम पास ले लो जिसको बैंचो गेम वेम का ज़्यादा शौक है, जेडाई फॉलन ऑर्डर भी है इसके अंदर, इतने गेम है बैंचो मज़ा आ जाएगा, अगर तुम्हारे को वो है ना कि अंदर से कि हाँ पेड पेड गेम्स वाला सीन, एक्सबॉक्स गेम पास बाय इट, सब्सक्राइब इट। बैटलफील्ड 5 हार्डकोर खेलो, बैटलफील्ड 5 यार खेलने का मन नहीं है। एवरेज पीसी बनाने का लिए कितना खर्चा होगा, एवरेज पीसी बनाने के लिए एवरेज से एवरेज अगर तुम 1650 भी लगाओगे पीसी के अंदर तो भाई 60-70 हज़ार रुपये चाहिए। राइजन 5 3600 लगाओगे, 1650 लगाओगे, B450 भी लगाओगे या B550 लगाओगे, साठ पचास साठ सत्तर मतलब मॉनिटर शॉनिटर वो सारे देखो तो फिर अलग अलग हो जाएगा ना कि किसको क्या चाहिए।
भाई ये सारे गेम डाउनलोड नहीं किए कीर्तिलाल, ये जो गेम्स हैं ये सारे एक्सबॉक्स गेम पास में मिले हुए हैं। ये एक्सबॉक्स कनेक्टेड है ना मेरा पीसी से, ओ सॉरी एक्सबॉक्स से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं थ्रू कैप्चर कार्ड। एंथम खेलने गेम, मेरे को एंथम गेम बहुत सही लग रही थी। चलो बाद में खेलेंगे कभी। एसर नाइटर 5 वाई 11 जनरेशन का रिव्यू कब आएगा? यार मैं ना इस हफ्ते वही करने वाला था, बट गणेश भैया के पास ना ओमेन आ गई, फिर गणेश भैया ने बोला ओमेन ले जाओ वरना ये बिक जाएगी, क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक ही आया था, अभी भी एक ही पीस पड़ी थी जो मैं लेके आया हूँ, तो वही रिव्यू करूँगा मैं बस। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या विद इन वीक मैं आई 5 वाला नाइट्रो लाने की कोशिश करूँगा, पक्का कोशिश करूँगा पूरी पूरी। अरे यार उसका मैसेज आ रखा था, अभी मुझे लाइव स्ट्रीम बंद करके ना एक वीडियो कंप्लीट करनी है क्योंकि देनी है। विल पोस्ट इट टुमारो। भाई सीपीयू कहाँ गया? भाई सीपीयू चला गया जहां से आया था, जिस ब्रांड के थे चले गए, मेरा अभी बनाने का मन है नहीं सीपीयू वगैरह, क्योंकि अभी और चीज़ों में पैसा लगाना है और चीज़ों में तरक्की करनी है, तो वो होता ना एक बिल्कुल पीक टाइम का शौक हो गया कि हाँ अब कर लेते हैं, चलो अब कर लेते हैं, वो तभी करेंगे यार, अभी ऐसे मन नहीं है। बेस्ट 1080p IPS मॉनिटर, भाई माइट भी एक हो सकता है एक IPS 1080p मॉनिटर आने वाला है मेरे पास 27 इंचेस में ViewSonic की तरफ से, और ViewSonic के मॉनिटर्स यू नो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के मॉनिटर्स आते हैं, बट इंडिया में उनका प्रमोशन नहीं होता और इंडिया में उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी थी, बट अब हो चुकी है। एंड पहला मतलब खुशखबरी है, पहला ViewSonic का मॉनिटर मेरे चैनल पे आएगा इंडियन हिंदी रिव्यू में। बाकी जब भी तुम ViewSonic सर्च करोगे तो आपको हार्डवेयर अनबॉक्स्ड जेरेड स्टैक वगैरह के रिव्यूज मिलेंगे, सो यू विल डेफिनेटली फाइंड ऑन माई चैनल सून। भाई 80K में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बता दीजिए। यार भाई कैसे हो यार तुम लोग पराग तिवारी, भाई हाथ जुड़वा लो यार, भाई प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, इसलिए सेल से पहले जाओ उसमें से, अगर तुम्हें पूछना है लैपटॉप तो जस्ट पूछो कि इसमें और इसमें से कौन सा बढ़िया है, जैसे कुछ लोगों ने भी पूछे कि भैया इसमें और इसमें से बता दो, उनको जवाब देने में मेरे को ना कभी भी वो दिक्कत नहीं होती, ये बेस्ट लैपटॉप बिटवीन दिस बेड लैप, बेस्ट लैपटॉप अंडर दिस अंडर दैट, अरे कम से कम दो चॉइस तो रखो अपने पास कि इस रेट में मैं भैया मेरे को दो समझ में आया, इसमें से आप कौन सा बताओगे प्लीज यार। विचर 3 खेला है यार? नहीं खेला, खाली एक बार टेस्टिंग वगैरह में खेला था, एक दो बार नहीं खेला, एलियन आइसोलेशन भी नहीं खेली यार। हॉरर है एलियन आइसोलेशन ना, मतलब हॉरर टाइप है, ज्यादा भी नहीं। पीसी वर्सेस लैपटॉप पे वीडियो बनाओ जीपीयू शॉर्टेज की वजह से, विच इज बेटर रिप्लाई दे दे, इग्नोर मार रहा है। पहली बात तो इग्नोर मारा नहीं, इग्नोर मारा होता तो ये भी मार देता। और भाई पीसी वर्सेस लैपटॉप प्रेजेंटली लैपटॉप आर मोर बेटर लाइक मोर वैल्यू फॉर मनी प्रेजेंटली, मेरे से सिंपल आंसर सुन लो, इवन सबको पता है आज की डेट में आपको जो लैपटॉप में परफॉर्मेंस मिल जाती है जिस प्राइस में वो पीसी में मिल ही नहीं सकती, दैट्स वाई लैपटॉप की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं और अभी ये चीज़ लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है भैया नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं, गुड नाइट। बस मैं भी चलता हूँ यार, 87 की वॉचिंग है अभी भी, लाइक मार दो जिसने लाइक नहीं मारी स्ट्रीम, थोड़ी और चल जाएगी स्ट्रीम। रेड रिडेम्पशन 2 मैं यार खेल के एंड कर चुका हूँ अजीत मेरे भाई। i5-11400H कैसा है? i5-11400H Ryzen 5 5600H से थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा मतलब लगभग सेम सी परफॉर्मेंस दे देता है। एक्सबॉक्स गेम पास अभी 700-800 रुपये का चल रहा था 8 महीने का, बहुत सस्ता चल रहा था, मैंने एक्सबॉक्स की गेम की वीडियो बताया था, रिसर्च करने में बुंड फट जाती है, वही यार भाई रिसर्च करने में बुंड फट जाती है, हम रिसर्च करके लैपटॉप बताते हैं वीडियो में। और लोग कह रहे थे कि आपने ये नहीं बताया अपना ना क्या कहते हैं 100% sRGB वाला लिनोवो लीजन नहीं रखा उस वीडियो में फलाना निमक्का। पहली बात तो 100% sRGB वाला वो पता नहीं है या नहीं है, ऑनलाइन दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएंट है वो 100% sRGB नहीं निकला, इसलिए मैंने उसमें ओमेन रखा और ओमेन इज़ बेटर चॉइस बिकॉज वहाँ पे 3060 आ जाता है 5000 रुपये डाल के, तो वो लिस्ट जो बनी है वो बहुत सोच समझ के बनी है भाई। ओपी हो रहा है भाई आइसोलेशन, मैंने खुद से रिव्यू सुने हैं वैसे। अच्छा i7-11370 नो, Ryzen 7 5600H भाई, Ryzen 7 5800H और Ryzen 5 5600H और i7-11370 जस्ट क्रॉस इट बिकॉज इट इज अ 4 कोर प्रोसेसर, इग्नोर।
शादी कब करोगे भाई? जब कुदरत करवा देगी, मतलब ऊपर वाले के हाथ में है शादी, तो हमारे हाथ में तो नहीं है। कहते हैं जोड़ियों ऊपर वाला बनाता है। ले जी लंड मेरा। ऑप्टिमस बिना मॉनिटर और मक्स स्विच कैसे बंद करूं? ऑप्टिमस बिना मॉनिटर और मक्स स्विच कैसे बंद करूं? भाई ये तो सवाल ही मेरे सर के ऊपर चला गया। मुझे सपोर्ट करो, सपोर्ट मत मांगो, मेहनत करो। यो यो जाने मन स्टील 100 की वॉचिंग है। जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया वाला चैनल सब्सक्राइब कर दो, और जिसने लाइक नहीं मारी स्ट्रीम वो लाइक मार दो। भाई यार ये हेडफोन फंस गया यार। एक तो दो दो हेडफोन लगा के स्ट्रीम करनी बहुत मुश्किल है। सवा 12 हो चुके हैं। पूछ लो जो कुछ पूछना है। वेवलॉर गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट। ब्रो अमेजोन पे टफ डैश लाइक 11370 एंड 3050 डे। वो 3050 डे लो पावर्ड है यार बहुत ज्यादा। मैंने रिव्यू किया है टफ डैश का चैनल पे ना, और 11370 इट्स 4-core प्रोसेसर। मत लो टफ डैश, तो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा मतलब कैरी नहीं कर सकते भारी वगैरह, और पतला गेमिंग लैपटॉप चाहिए, वो उनके हिसाब से बना है। शायरी आती नहीं यार कार्तिक। कोई टैबलेट रिव्यू? कोई टैबलेट आएगा किसी ब्रांड की तरफ से? बाकी मेरा कोई अपना टैबलेट में इंटरेस्ट नहीं है। स्टोरी मोड गेम्स रेकमेंड करूं? अभी एवेंजर्स खेल रहा था, अच्छी है, खेल लो। अभी तो प्रेजेंटली यही है, बाकी तो गॉड ऑफ वॉर खेलना जरूर। पीसी पे आ गई है, क्रैक भी हो गई है, नहीं परचेज करनी डाउनलोड कर लेना। वैसे मैं तो सीधा बोलूँगा, क्योंकि सोनी वालों ने इतना कुत्ता पैसा कमा रखा है इन गेम्स से, वो जान पूछ के पीसी में निकाल रहे हैं और बिना DRM के, कि चलो क्रैक हो भी जाएगी ना लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, क्रैक डाउनलोड कर लो कोई इशू नहीं है। लीजन 3050 पे भी गजब गेम चल रही है, ROG का भी मैक्स TGP वाला है उसमें ऐसा नहीं चल रहा। हाँ लीजन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है गेमिंग, उसके अंदर वो है ना AI जो वो AAA टाइटल्स के लिए थोड़ा सा वो है ऑप्टिमाइज्ड। तुमने देखा ना लीजन जो मैंने रिव्यू किया था अभी i7 वाला, उसमें कितनी बढ़िया गेम चल रही थी, बिल्कुल 3060 चल रही थी किसी किसी लैपटॉप के। तो वो लीजन का थोड़ा सा बढ़िया चीज़ है, इसलिए लीजन ज़्यादा बेटर मैं कहता हूँ। ऐसे स्ट्रीमिंग करता रहा कर भाई कभी कभी, वैसे दोनों चैनल मस्त है, चल गुड नाइट। द पूर्वेश थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन, गुड नाइट मेरे भाई। भाई करते हैं तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं यार, लाइव भी चले जाते हैं। अभी सोचो मैं कल रात को वीडियो बताई थी 1 बजे शूट हो रही थी, वो वीडियो जो तुमने देख ली हो गेमिंग गैजेट्स वाली, 1 बजे शूट हुई है रात को वो, फिर हम सो गए थे लगभग 2:30-3 बजे। सुबह उस पर एडिटिंग शुरू हुई थी 12-1 बजे और टाइमलाइन कंप्लीट हुई थी उसमें 5 बजे। 5 बजे के बाद फाइनलाइजेशन, एंड फाइनलाइजेशन के बाद 7:30 बजे फाइनलाइज हुई, फिर कैश करो वालों के पास गई फॉर वेरिफिकेशन, फिर उन्होंने कमी निकाल ली वो ठीक हुई, तब जाके तुम तक वीडियो पहुंचती है। एंड आफ्टर दैट इंस्टेंटली मैंने लाइव स्ट्रीम का सेटअप लगाया, मैंने कहा चलो लाइव स्ट्रीम करते हैं। उससे पहले मैं 2 वीडियो शूट कर चुका हूं, और जो 2 वीडियो पेंडिंग है दोनों की दोनों ब्रांड के पास जानी है कन्फर्म होने के लिए, एंड उसके बाद जाके फिर मुझे ओमेन की वीडियो पर काम करना है। फिर ओमेन की वीडियो निपटेगी तो मुझे आगे और वीडियोज़ पर ऐसी काम करना है जो बस करना है। अब क्या बताऊं यार, इतनी बहुत ज्यादा कुत्ता घसी है जिंदगी में। हाय सर ऑल गुड, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। राइजन 5 4600 कैसा रहेगा HP Pavilion? यार आज की डेट में मत लेना यार, वो है मेरे पास वाला लैपटॉप, ठीक है अपने टाइम में बेस्ट था, बट आज मत लेना। आप उसकी जगह वो ले सकते हो राइजन 5 5600H 1650 वाला आइडिया पैड, वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइजन 9 या i9 12th generation? यार वो आने के बाद, अभी नहीं बता सकते। i9 12th generation टेस्ट करे बिना नहीं बता सकते। TWS 100 1500 फॉर गेमिंग एंड म्यूजिक, 1500 BTG 3 ठीक है, वो अच्छे हैं, मैंने यूज़ करें बढ़िया लगे मेरे को। और 1 घंटे बाद वैलो नहीं यार, मेरे को भी वीडियो एडिट करनी है एक, मेरी ऑलमोस्ट टाइमलाइन कंप्लीट है उसकी, बस B-rolls डालने हैं उसके अंदर, B-rolls भी शूट हो चुके हैं, वो कल डालनी है वीडियो, कल आएगी चैनल पे। आज ही लॉन्च हुआ है नॉइज़ का नेक बैंड, बट आज वो वाली जो गेमिंग गैजेट्स वाली वीडियो थी उसका स्लॉट बुक्ड था, बाय कैश करो, तो हमें स्लॉट देने पड़ते हैं ब्रांड्स को ना। अब कल के लिए वो वाला स्लॉट है, तो कल को उनकी वीडियो जाएगी, एंड परसों के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छी वीडियो आए, मज़ा आएगा तुम्हें वीडियो देख के।
वो 13th का स्लॉट फ्री रखा था, 15th ऑलरेडी बुक्ड था बाय अदर ब्रांड, तो आपका कल का फ्री किया। ब्रांड कह रहे आज वीडियो में डाली तुमने। मैक्स सीपीयू टेम्परेचर कितना जाता जाना ठीक होता है भाई? मैक्स सीपीयू टेम्परेचर 100 डिग्री तक भी झेल लेते हैं सीपीयू हमारे, और मैंने आज तक तो कोई ऐसा लैपटॉप नहीं देखा जो हाई टेम्परेचर्स की वजह से चलता चलता बंद हो जाए या फूक जाए। मतलब माई पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी का हुआ हो तो मुझे पता नहीं, मतलब मैं बिल्कुल एकदम ठोक बजा के भी नहीं कह सकता। विच हॉरर गेम वी गोना प्ले? खेल ली यार, खेल ली, पीछे जाके देखो स्ट्रीम में, उसके बाद थोड़ी देर एवेंजर्स भी खेल ली, थोड़ी देर थोड़ी सी खेली है वो तो। ओके, और स्टोरी टाइम भी हो गया तगड़ा उसके, मोस्ट प्रोबेबली रिव्यूज वो आएंगे। ओके बाय। ओके ब्रो, मेरे 1 मिलियन सब होने वाले हैं, बाद में मिलेंगे। अरे यार, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। चलो यार ठीक है, मेरे को एक एडिटिंग करनी है थोड़ी सी, कल को वीडियो पोस्ट करनी है वो, तो चलते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबा पे स्वाद रखना, कहाँ पे? जुमा पे भाई साहब। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।